Hey guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my channel. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जल्दी से जाओ guys, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो guys. अभी देखो आप लोग लाइक कम कर रहे हो, इसीलिए ना भाई वीडियोस लेट हो रही हैं, आप लोग के कारण वीडियो लेट हो रही है. फटाफट से लाइक का बटन दबाओ. चलो 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 सारे बंदे लाइक का बटन दबा दो भाई फटाफट से. बाकी जो लास्ट वीडियो में हुआ था, जो अपने साथ होता आ रहा है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा पार्टी एंजॉय करते हैं यार. गाइस अभी ना मेरा मन है पूरा फुल पार्टी एंजॉय करने का. अपना बर्थडे है भाई, पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भाई. डीजे वाले मस्त मस्त सॉन्ग बजा दे, अभी मेरा नाचने का पूरा फुल मन कर रहा है. ओके गाइस, अपना पूरा डांस स्टार्ट हो चुका है. माइकल कर रहा है पूरा फुल भंगड़ा भाई साहब, देख रहे हो क्या ही मस्त सॉन्ग है. और गाइस मुझे एक चीज बताना आप लोगों को, जैसे मैं अगर ऐसे मुंह घुमा रहा हूँ तो आप लोग के इधर आवाज आ रही होगी, अभी आप लोग के इधर आवाज आ रही होगी, ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे बताना जरूर. जो कि बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, क्योंकि भाई इन्होंने डीजे वाले ने ना ऐसा मस्त यहाँ पे साउंड सिस्टम कनेक्ट करा है ना भाई, की जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे ना वैसे वैसे हमारी मतलब ये आवाज भी घूमती रहेगी. देखना थोड़ा देखना, ध्यान से सुनना. आ रही है ना गाइस फील पूरी. ओके भाई अपना माइकल तो पूरा पागल हो चुका है भाई, खुद की बर्थडे पार्टी पे क्या डांस कर रहा है मस्त तरीके से. चलो 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 भाई साहब सब डांस करने लग जाओ, जो कि फुल्ली मजा आ रहा है भाई बढ़िया तरीके से. डीजे वाले बढ़िया तरीके से सॉन्ग वॉन्ग और बजा दे यार मस्त वाले. ओके भाई माइकल देखो भाई अपना बढ़िया तरीके से नाच रहा है. माइकल को आप गाइस आप लोग माइकल को 10 आउट ऑफ कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इस डांस के लिए? ओके भाई साहब मजा आ रहा है यार, क्या ही बढ़िया तरीके से डांस वांस चल रहा है यार. गाइस मेरा तो भाई डांस कर करके ना अभी मन हो चुका है, पूरा भर चुका है. मैं चलता हूँ अपनी फैमिली के पास, उनसे जाके बात बात करते हैं. बाकी अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे आ रखे हैं यहाँ पे, और भाई साहब ट्रैवल वगैरह सारे ही आ रखे हैं. तो ठीक है गाइस अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, थोड़ा बड़ा इंजॉय करते हैं. सुबह अपने को बहुत सारे काम है, अभी हमें पैंथर कार के पैसे भी पे करने. अरे सॉरी भैया डांस करो, तुम डांस करो भाई, सॉरी सॉरी भैया सॉरी. चलो ठीक है, मेरी फैमिली जो है ना भाई वो यहाँ पे खड़ी है, खाना वीना सब कुछ करते हैं एंड देन पार्टी एंड होने का वेट कर लेते हैं. ओके गाइस फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, और भैया अपनी फैमिली जो है वो हमें उठाने के लिए यहाँ पे आ चुकी है. भैंस की टांग, क्या गंद मचाया है भाई लोगों ने, देखो तो सही नीचे पूरा फुल गंद मचा दिया भाई लोगों ने, कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पे कर रखी है. ओके चलो ठीक है भाई चलते हैं यहाँ से. और गाइस पार्टी वार्टी सब हो चुकी है, बहुत तगड़ी पार्टी थी, और मुझे कमेंट करके बताना आप लोग को यह पार्टी कैसी लगी. बाकी यार देखो भाई यहाँ पे पूरा फुल गंद वंद मच चुका है, पूरी गंदगी कर रखी है लोगों ने. और गाइस मुझे आप लोग को एक और गुड न्यूज़ देनी है. गुड न्यूज़ ये है कि भाई अपना शोरूम का एक अपार्टमेंट बन के रेडी हो चुका है. वो क्या अपार्टमेंट है वो हमें बैरी ही बताएगा आज में. बाकी चलो ठीक है भाई सारे आ जाओ. और भाई देखो तो सही सुबह के कितने बजे हैं, सुबह के 7:30 हो चुके हैं. एंड भैया अभी भाई पूरी सड़क वड़क खाली पड़ी है, एंड भाई पार्टी रातों रात खत्म हो चुकी थी, और 1-2 बजे रातों रात मतलब सारे बंदे चले जा चुके थे. चलो ठीक है भाई फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बंदे, एंड जल्दी से बैठ जाओ मेरे वेंटर के अंदर. अभी चलते हैं सीधा यहाँ से घर पे, और आप लोगों को थोड़ा पीछे का भी बताना है मुझे. चलो यार गाइस फैमिली वालों फटाफट से बैठ जाओ. ऑल राइट गाइस चलो ठीक है भाई फैमिली वाले अपने साथ बैठ चुके हैं डिफेंडर को लेके, फटाफट से चलते हैं. और गाइस लास्ट टाइम ना भाई बैनी ने अपनी सुपरा बिल्कुल ठीक कर दिया. मैं आप लोगों को थोड़ा सा भाई रीकैप बता देता हूँ आखिरकार हमारे साथ लास्ट टाइम हुआ क्या कुछ है. तो अगर गाइस आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा तो आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट टाइम ना गाइस भाई बैनी ने ना हमें बोला कि भाई तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट देना तो बनता है. तो भाई मैंने उसको बोला मेरी सुपरा ठीक कर दे. फिर उसके बाद हम गाइस पहले तो हम गए भाई कायो पैरी को, क्योंकि भाई देखो डगन बोस ने ना हमें दो काम दिए थे. एक तो प्रेसिडेंट के वहां से हमें गोल्ड वोल्ड चुराना था, जो कि हमारे पास अभी पड़ा है वो देना है उसको. दूसरा था गवर्नमेंट का सबसे महंगा स्टैचू चुराना, जो कि हमने भाई स्टैचू को वो चुरा लिया. और लास्ट टाइम मैंने और भाई ट्रेवर ने बहुत ज्यादा खतरनाक हाइस्ट करी, एंड भैया हमने वो स्टैचू को फाइनली चुरा के भाई सब डगन बोस तक पहुंचा दिया. और डगन बोस ना गाइस अभी रहता है भाई अपना कायो पेरिको में. तो ठीक है भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है, कायो पेरिको में भी डगन बोस को बोलना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी ना लॉस सेंटोस में डगन बोस की एंट्री भी करवानी पड़ेगी. एंड उसके बाद हम गए लिबर्टी सिटी ये देखने के लिए कि लेस्टर का कितना काम रहता है.
भाई वो बंदा ना दूसरे लेस्टर को पूरा फुल रेडी करवा रहा है ताकि भाई हम लेस्टर की भी एंट्री लॉस सेंटोस में करवा सके। उसके बाद हम गए भाई साहब अपना वाई सिटी सुपरा की बॉडी लेने। सुपरा की बॉडी हम लेके आ गए। उसके बाद गाइस हम वसीम को मिले। वसीम से हमने भाई साहब उसको फेक कैश दिए जो कि आप लोग प्लीज मत बताना। हम गए फेक कैश फैक्ट्री में जो कि आप लोग भाई वसीम को मत बताना। एंड हम गए गाइस एक फेक कैश फैक्ट्री में। वहां से भाई साहब हमने फेक कैश उठाया पूरे 100 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर, मेरे को पूरा याद नहीं है। वो लाके मैंने वसीम को दे दिया। बेचारा आराम से ले गया भाई, उसको भी पता नहीं चला कि भाई ये फेक नोट्स हैं। उसके बाद भाई मुझे बैरी ने बोला कि तुम्हारा शोरूम बन के रेडी हो गया है। तो मैं भाई अभी मतलब बन के नहीं, एक अपार्टमेंट बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज दिया। फिर हम आए पार्टी में, तो यार आप लोगों ने पार्टी देख ही ली है। तो चलो यार बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, फटाफट से गाड़ी भगा के जल्दी से चलते हैं पहले तो खुद के घर के लिए। ओके गाइस, मैं जो है ना भाई अपने डिफेंडर को लेके फाइनली गाइस अपने घर पे पहुंच चुका हूं। और बाकी ठीक है यार अभी ना गाइस मुझे, हाँ आप लोग लास्ट टाइम बोल रहे थे तुम्हारी एसपीजी सिक्योरिटी को तुमने घर पे क्यों नहीं लगवाया, और मैं गाइस अभी अपनी सिक्योरिटी को बोलने वाला हूँ कि भैया घर पे रक्षा करनी शुरू कर दो, मुझे घर पे तुम्हारी सिक्योरिटी चाहिए। अभी मुझे भाई सिक्योरिटी वालों को बोलना है कि घर पे भाई सब करो यार सिक्योरिटी। चलो ठीक है भाई, हम अपने डिफेंडर को लेके तो आ चुके हैं। बड़े ध्यान से ना भाई हमें डिफेंडर को यहाँ से निकाल के अपना भाई इधर आराम से बढ़िया तरीके से खड़ी कर देते हैं। चलो भाई फैमिली वालों आ जाओ भाई सारे के सारे बाहर। ओके गाइस, फैमिली वाले ना भाई अपना सामान वामान भाई थोड़ा लपेट रहे, जो गिफ्ट विफ्ट थे चलो भाई उनको करने देते हैं। हम फटाफट से चलते हैं भाई, पहले तो हमें कपड़े उतारने पड़ेंगे ये वाले, और थोड़ा ना भाई दारू वारू भी बहुत ज़्यादा पी ली थी पार्टी में, तो भैया वो सारा कुछ करना पड़ेगा फटाफट से। हम ना भाई पहले तो अपने ये वाले कपड़े पहनते हैं और थोड़ा नहा के आते हैं भाई। मैं सही में बता रहा हूँ, नहाना ना भाई अपने लिए बहुत सही रहेगा यार, क्योंकि भाई थोड़ी गंदी स्मेल आ रही है यार दारू वारू की, तो भैया अच्छा नहीं लग रहा है यार, गंदा फील हो रहा है। बाकी ठीक है भाई, फैमिली तो अपना आ चुकी है। एंड अपना सामान वामान भाई धीरे धीरे वो करते रहेंगे यार, उनका अपना घर की बात है भाई, अपने आप करते रहेंगे। भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें थोड़ा नहाना धोना है एंड उसके बाद हमें बहुत सारे काम भी करने हैं। चलो ठीक है भाई, नहाना धोना हो चुका है एंड पीने के लिए हमारे पास एक जूस जो है वो हमेशा रेडी ही रहता है, तो फटाफट से जूस का गिलास पीते हैं जिससे मिलती है पावर। मैं रियल लाइफ में भी गाइस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जूस पीता हूँ, घर पे बनता रहता है ना यार, तो भाई मुझे पता है इस जूस के फायदे कितने होते हैं। चलो ठीक है भैया, जूस वूस हो चुका है, फटाफट से जाके एक बढ़िया से कपड़े पहनते हैं और अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि भाई हमें पैसे लेके भैया जाना पड़ेगा वहाँ पे। और मुझे पता है भाई जो आप लोगों को पता है ऑक्शन होने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिरकार भाई अभी भी न्यूज़ पे चल रहा है, क्योंकि भाई वो गाड़ी ही इतनी ज़्यादा बेस्ट है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है भैया, ये वाले कपड़े पहनते हैं एंड फटाफट से चलते हैं। मैं आप लोगों ने एक बार न्यूज़ पे दोबारा से दिखाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है भाई, तभी तो आप लोगों को थोड़ा याद आएगा कि आखिरकार हमारी लाइफ में चल क्या कुछ रहा है, नहीं तो भाई आप लोग भूल नहीं जाओगे क्या। एक बार टीवी भाई स्टार्ट करो फटाफट से। ओके चलो भैया, मैं तो बैठ चुका हूँ, फटाफट से टीवी स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस सुन लो भाई, आप लोग खुद ही सुन लो। पहली बार बहुत बड़ा कार ऑक्शन होने, देखा पैंथर कार का ऑक्शन होने जा रहा है, तो आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी आप लोगों ने भाई न्यूज व्यूज देख ही ली होगी। भाई ये जो पैंथर कार है ना, इसको ऑक्शन करने जा रहा है बिग माफिया, तो भैया पता नहीं कितने ही मिलियंस में जाएगी, क्योंकि भाई इसको लेने के लिए ना लोग पागल ही है। चलो ठीक है भैया हम चलते हैं भाई, बाकी यार न्यूज पे दिखा ही रहे हैं ये लोग। एंड अभी भाई हमें कैसे भी करके ना इस पैंथर कार को वापस लेके आना है, तो वापस कैसे लेके आओगे मुझे भी पता है, मुझे कौन सा खुद के पैसे लगाने हैं भाई, इसमें खेलना पड़ेगा हमें थोड़ा दिमाग से। अभी के लिए गाइज मुझे कुछ पैसा दिखाने के लिए, तो भैया अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना, क्योंकि देखो यार गाइज ये लोग ना भाई चलते हैं अपना दिमाग से, ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा है भी या नहीं, ये लोग अगर कोई ऐसे चेक ना करे कि तुम्हारे पास पैसा या नहीं, भाई कोई भी पहुंच जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसीलिए गाइज ये आपका बैकग्राउंड देखते हैं, आपके पास पैसा देखते हैं, अभी पैसा इतना दिखा देंगे, बैकग्राउंड दिखाने की क्या जरूरत है, बैकग्राउंड तो अपना है ही वैसे भी माफिया वाला, तो भाई एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको तो भाई पैसों तक मतलब है, जितने बड़े बड़े लोग आएंगे उतना ही पैसा मिलेगा, उतने ही मतलब गाड़ी महंगी बिकेगी। तो भैया अपने पास ना यहाँ पे पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसा देखो पीछे तक ट्रक फुल भरा हुआ है, बस पैसे की कमी नहीं है अपने पास। ओके गाइज मैंने ना भाई पैसा तो यहाँ से ले लिया है पूरे के पूरे 25 से 30 मिलियन डॉलर। तो भाई देखो इतने में ना रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगी, जिस बंदे के पास इतना पैसा होगा वो बोलेगा भाई वो कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ गाड़ी की जो स्टार्टिंग कीमत है वो पक्का मुझे लग रहा है 50-60 मिलियन डॉलर से स्टार्ट होने वाली है। एंड बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वो सीधा भाई ऐसे 10 मिलियन बढ़ाएंगे, 20 मिलियन बढ़ाएंगे, मतलब जैसे 50 मिलियन की बोली स्टार्ट, फिर 60 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, ऐसा प्राइस बढ़ने वाला है भैया, मैं सही में बता रहा हूँ, कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस, सही में यार पैंथर कार को लेना है ना
तो भैया छोटी मोटी बात नहीं है, बाकी ठीक है। पैंथर कार को लेने के लिए हम चलते हैं अपनी नई सुपरा पे जो कि बेनी ने हमें बना के दी है। ओके भाई, ऐसी तगड़ी गाड़ी पे जाएंगे ना तो बंदा बोलेगा हाँ भाई, इस बंदे के पास अगर ऐसी गाड़ी है तो भाई आराम से ये पैंथर कार भी ले लेगा। तो भाई ठीक है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा सीधा ऑक्शन रूम में, एंड ऑक्शन रूम में जो बंदे होंगे उनसे मिलके उनको रजिस्ट्रेशन करवा के एंड देन भाई अपना आगे का काम होगा। तो चलो यार ठीक है भाई, अभी छोड़ो इधर की बातें, फटाफट से गाड़ी भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई साहब लॉस सैंटोस ऑक्शन हाउस के लिए। ओके गाइस, तुम्हारा भाई ना अपनी सुपरा को लेके भाई साहब पहुंच चुका है उसी ऑक्शन हाउस के लिए। चलो ठीक है भाई, अभी ना फाइनली गाइस वो टाइम आ चुका है जब हमें अपनी पैंथर कार वापस मिलने वाली है। भाई मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि भाई जिमी ने वो गाड़ी बेच दी बिग माफिया को, बट बिग माफिया का दिमाग तो देखो भाई। बट यहाँ पे हम खेलने वाले हैं थोड़ी स्ट्रेटजी, अब हम करेंगे फेक कैश का इंतजाम। तो देखना पड़ेगा भाई फेक कैश कैसे लेंगे और भाई फेक कैश को कैसे हम इतना रियल बनवाएंगे कि भाई ये लोग पता ही ना कर पाए। बाकी चलो ठीक है भाई, भैंस की टांग लाइन तो देखो कितनी लंबी लगी पड़ी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये सालों के पास सबके पास पैसा इतना है भी या कुछ वेले ही आ पड़े हैं? मतलब गाइस मैं इतना बता रहा हूँ, लड़कियाँ भी खड़ी हैं, लड़के भी खड़े हैं, ये कलुए भी खड़े हैं। भाई साहब तुम ये देखो, जिस बंदे के पास पैसा होगा क्या वो जमीन में बैठ जाएगा क्या? भैंस की भाई तेरे पास पैसा वैसा भी है क्या? नहीं। चलो ठीक है भैया, मैं अभी लाइन में लग जाता हूँ। भैंस की टांग मुझे लग रहा है भाई ये पक्का 500-600 मिलियन में जाने वाली है गाड़ी। साला इतना पैसा तो ट्रक भर के आएगा भाई। पूरे 15 मिनट लगने के बाद भाई यहाँ पे गाइस बहुत बंदों की कमी हो चुकी है। चलो ठीक है भाई, चेकिंग पूरी फुल चल रही है। और तुम लोग सोच रहे हो आखिरकार चेकिंग चल कैसे रही है? गाइस देखो, पीछे ना यहाँ से एक बंदा अंदर जाता है, एक यहाँ पे पहली टेस्टिंग होती है, उसके बाद अंदर कोई एक और बंदा बैठा है, फिर वो पैसा चेक करता है, पैसा चेक करने बैंक बैलेंस चेक करने के बाद तीसरा बंदा फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाता है यहाँ पे। तो भैया बहुत तगड़ी चेकिंग चल रही है, ऐसे मजाक नहीं चल रहा सही में। गाइस भाई यहाँ पे चल रही है बहुत तगड़ी चेकिंग। अब लड़की की चेकिंग हो रही है, बहुत कम हो चुके हैं और गाइस पूरा 1.5 घंटा हो चुका है मुझे खड़े। और ये बंदा ना भाई साहब मुझे सही में सही नहीं लग रहा भाई। बंदा देखो कैसे बैठा है नीचे, अब देखते हैं भाई अभी। ओके एक और बंदा भाई अंदर जा चुका है। चलो भाई उसके बाद मेरे आगे वाले की बारी है। चलो ठीक है भाई, पहले अंदर वो जा चुका है, हम भी थोड़ा आगे हो चुके हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। ओके भैया उसके भी चेकिंग हो चुकी है, अब आगे वाला एक और आगे वाला बंदा जा रहा है, एंड देन लास्ट में हमें भाई साहब और बंदे आए नहीं, हम बहुत लेट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन का, इन्होंने टाइम दिया था इसीलिए। चलो ठीक है भाई, उस बंदे की भी चेकिंग चल रही है, पूरे फुल चेकिंग चल रही है। देखो पहले चेक करेंगे, उसके बाद बैंक बैलेंस देखा जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। चलो ठीक है भाई, चलो करो तुम लोग जो भी है करते रहो सीन। और भाई देखो उस बंदे को बताया गया है कि आगे जाना है। चलो ठीक है अभी मैं भी आ जाऊँ क्या, पहले सिटी की देखते हैं। ओके गाइस बंदे ने ना भाई अभी मुझे भी बुला लिया है। चलो भैया अब मेरी भी चेकिंग कर लो, चलो भैया अब मेरी भी चेकिंग कर लो ढंग से। भैंस की टांग चेकिंग तो देखो भाई किस लेवल की हो रही है यहाँ पे, बॉम्ब थोड़ी लेके आऊं, भैंस की पैसा है मेरे पास। चलो ठीक है भैया चेकिंग हो चुकी है, अभी क्या करना है भैया बता दो थोड़ा। ओके बंदा कह रहा है ना तुम एक काम करो, इस वाले ऑफिस में जाओ एंड वहाँ पे तुम्हारी फुल पैसे की लेके, पैसों को लेके और बैकग्राउंड को लेके तुम्हारी चेकिंग चलेगी। चलो ठीक है मैं चलता हूँ और देखते हैं भाई अभी क्या सीन होने वाला है। हैं यहाँ पे तो ये लोग भिड़ रहे हैं आपस में, भाई क्या हो रहा है? ये कह रहा है तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए कम है, निकलो यहाँ से। अबे मिनिमम पेमेंट भी लेके आनी थी क्या? वो कह रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आऊँगा इस ऑक्शन में। भाई निकले निकले, जितने बंदे कम रहेंगे ना अपने लिए उतना फ़ायदा है। ठीक है भाई यहाँ पे बैग वैग भी रखे गए हैं और ये बंदा बोल रहा है हाँ जी सर, क्या पैसा आपके पास और क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है, सब कुछ बोल रहा है। सर मेरा नाम माइकल डिसेंटा है और मैं लेके आऊँ पूरे $5 मिलियन और मेरे पास $1 बिलियन पड़ा है, तो टेंशन की बात नहीं है, गाड़ी तो ये मैं ही लेके जाने वाला हूँ। तो सर 1 बिलियन सुनते ही बेहोश हो गया। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, अरे भैया उठो भाई, $1 बिलियन पड़ा है मेरे पास। वो देखो भाई बंदा उठ रहा है ढंग से, भाई मेरे पास पूरा पैसा पड़ा है, टेंशन मत लो, मैं ये गाड़ी लेके जाने वाला हूँ किसी भी कीमत में। साला मेरे को चाहे भैंस की टांग अपने पास जितनी गाड़ियां सारी बेचनी ना पड़ जाए। तुम्हें अभी भी लगता है मेरे पे शक को कर रहा है? कह रहा है मुझे नहीं लगता। एक मिनट इधर, भैंस की टांग उसको साले को अपनी सुपरा दिखाता हूँ भाई साहब, लिमिटेड एडिशन सुपरा है मेरे पास, आइयो जरा। ओए आइयो जरा साले, तू मेरे को पागल समझता है क्या भाई? मेरे को कह रहा है तू पागल लग रहा है मुझको। एक मिनट चल चल चल, हाँ हाँ भाई इसके पीछे लेके चलता हूँ, चल 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 भाई बाहर चल बाहर चल, इधर आइयो इधर आ इधर आओ इधर आ। तेरे को भैंस की टांग मैं बताता हूँ भाई, किसको मजाक समझ रहा है? इधर देख गाड़ी, इधर इधर गाड़ी देख भाई, इधर 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 आ, इधर आ गाड़ी देख भाई साहब। तू 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 मेरे को पागल समझता है क्या? कह रहा मैं तू बोल रहा है जैसे मैंने इसको बोला $1 बिलियन पहले तो गिर गया, फिर बोल रहा है भाई तुम पागल लग रहे हो मुझे। हाँ अब खींच रहा है फोटो, है कह रहा तुम्हारी नहीं है तेरी साले ऐसी की तैसी। ये देख तेरा बाप अंदर बैठ रहा है, गाड़ी को स्टार्ट भी कर रहा है, ये ले साले मारूंगा धक्का एक। ये देख अभी देख 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 रहा है ना,
मस्त लग रही है ना, बता मेरे को भाई। ऐसा वैसा ही समझ रहे हैं यार ये लोग भैंस की। भाई हम थोड़ा गैंगस्टर बन के नहीं रहते, अमीरी दिखाते नहीं है, कुछ भी समझते रहते हैं लोग। चलो ठीक है भाई, अभी बंदा कह रहा सर आपकी रजिस्ट्रेशन करना तो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मतलब करनी ही पड़ेगी। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल कर, तेरी साले मोटे ढंग से चला ले गाड़ी, भैंस की टांग नीचे दे देता अभी। चलो ठीक है अभी हम चलते हैं फटाफट से। और भाई अभी जो है ना बंदा कह रहा है ना, भाई मुझे आप पे पूरा फुल ट्रस्ट है, मुझे पैसा चेक करना ही नहीं है। ना ना भाई तू पैसा चेक कर, देख मेरे को भाई अपने लिए बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए, तू पैसा चेक कर 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 चेक कर। हाँ चेक कर ले, पीछे ढंग से चेक कर रहा है बंदा। और हाँ हाँ भाई कर ले बैग में पूरा फुल देख रहा है भाई, कैश वैश बिल्कुल ही। भाई से एक ट्रस्ट बन चुका है अब मेरे पे, अगर मैं फेक कैश भी लेके आऊँगा ना तो भैया मेरा ये कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है भाई बिल्कुल डन है ना सर जी, जा सकता हूँ मैं? बताओ सर कुछ है कुछ? ओके कह रहा भी आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना नाम। ठीक है भाई सामने रजिस्ट्रेशन चल रही है, एंड फटाफट से भाई पहले भी लाइन पे लगे थे अब फिर से लाइन पे लगना पड़ेगा। अबे यार जल्दी कर लो भाई, सब सारे इधर खड़े हैं यार, जल्दी करो ना भाई यार। अबे ओ टकले एक नंबर का स्लो आदमी है तू, भैंस की टांग गुस्सा चढ़ी जा रहा है मुझे इस पे। बंदे ने पूरे 10 मिनट लगा दे रजिस्ट्रेशन करते। माइकल डिसेंटा है मेरा नाम, पैंथर काल के लिए मैं अप्लाई करने आया हूँ, फटाफट से अप्लाई कर दे, तेरे बॉस को पूछ लियो इतना पैसा ना मेरे पास भाई साहब खरीद लूंगा तेरे को भी खड़े खड़े। और बॉस बता जरा बैग लेके बाद में जाइयो बॉस। ओ बॉस क्या बंदा है भाई, अभी तो इतनी चाट रहा था मेरी। ओके गाइस रजिस्ट्रेशन अपनी हो चुकी है, अभी जो गाइस कार ऑक्शन होने वाला है वो होने वाला है पूरे के पूरे 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तो भाई अपने लिए कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो भाई ये कह रहे हैं कोई पैंथर का अकेली नहीं आने वाली, और भी बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी ऐसी ऐसी कार्स आने वाली, ऐसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार आने वाली है जो कि भाई खुद से कलर चेंज करती है। मेरा दिमाग खराब होगा ये सुनते, खुद से कलर चेंज करती है। भाई तुम लोग 2 मिनट के लिए सोचो, तुम यहाँ पे जा रहे हो, पुलिस वाले आगे खड़े हैं तुम्हें रोकने के लिए, 1 सेकंड में मैं गाइस गाड़ियाँ कलर चेंज कर दूंगा, पुलिस वाले ढूंढते रह जाएंगे ये कौन से कहाँ चला गया, कौन था कौन नहीं। भाई कितना फायदा है, अगर सोचो मैं फेक कैश लेके ही जा रहा हूँ, क्यों ना मैं पैंथर कार और कलर चेंजिंग का वाली कार जो आ रही है उसको लेना चाहिए मुझे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो फटाफट से गाइस अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मुझे गाइस देखो अपने जो, अबे यार गलती डाल ली मैंने, सॉरी 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 सर सॉरी भैया, अभी लोगों का घूमने का वो है भाई, मैं इधर अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, सॉरी सॉरी भैया सॉरी। अबे यार पुलिस ना बुला लें गाइस। देखो अभी मेरा मन तो था कि मैं भाई चलता फ्रैंकलिन ड्राइवर के पास, बट वो लोग ना भाई का जो पार्टी का हैंगओवर है ना भैया वो अभी तक उतरा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही दारू वारू पी थी भाई उन लोगों ने रात को, तो उन लोगों को रेस्ट करने देते हैं। आज के जो भी काम है हम अकेले मिलके ही करते हैं, बाकी देखते हैं किसी की जरूरत लगेगी तो देखते हैं। तो चलो यार ठीक है भाई, इतने में ना मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपने घर जाके ना SPG सिक्योरिटी को फ़ोन करता हूँ कि भैया बहुत हो रहा है तुम्हारा, बैंड की टांग $20 मिलियन ले रहे हो तुम लोग, सालों घर पे बिल्कुल सिक्योरिटी कर ही नहीं रहे, बिल्कुल घर को सिक्योर करते ही नहीं है। अब इनको फोन करना पड़ेगा और घर पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, एंड सिक्योर करना पड़ेगा अपनी फैमिली को एंड अपने घर को। तो चलो यार ठीक है भाई, बकबक नहीं करते हैं, फटाफट से निकलते हैं पहले तो खुद के घर के लिए। ओके गाइस फाइनली भाई साहब अपनी सुप्रा को लेके मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। बाकी ठीक है, क्या गाड़ी थी भाई इस बंदे के पास, ऐसे निकाल के शू करके निकाल के लेके गया तेरी भैंस की टांग, भाई पंगा लेने लो। एक मिनट घर पे तो बाद में पहुंचता हूँ, पहले इस बंदे को देख लेता हूँ भाई साहब। एक तो टूटी सी गाड़ी, एक तो शू करके पास से लेके गया तेरी, इतने में 5 गाड़ियां आ जाएंगी जो ऐसे शू करके लेके गए। किधर चला गया ये, इसको एक बार तो इसके साथ गाइस एक छोटी सी रेस बनती है भाई, ऐसे जो मेरे से शू करके निकल के लेके जाता ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन बंदों पे। मुझे लग रहा है गाइस वो बंदा डर के ही भाग गया, दिख ही नहीं रहा भाई साहब इतना एकदम से। नहीं 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 वो जा रहा है, तेरी साले ऐसी की तैसी, बाप से भिड़ता है। रुकियो भाई अब इसको बताता हूँ, देखो भाई बंदा गाड़ी पूरी फुल स्पीड में भगाता तो जा रहा है, बट उसको नहीं पता पीछे भैया सुप्रा आ रही है, मेरे को देख के और तेज कर लिया गाड़ी, मतलब इसको क्या लगता है कि ये मेरे से आगे कर लेगा क्या। एक मिनट चल जाए, हरा भी दिया। नहीं बंदा कह रहा अगर रेस करनी है हाईवे पे आ जा। अबे ओ इतना टाइम नहीं है, एक मिनट रुको, थोड़ी सी गाड़ी फोड़ दी मैंने, थोड़ी सी टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहन ही अपना घर पे आके ठीक कर देगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बंदे का ना मुझे अभी घमंड निकालना पड़ेगा, भैंस की टांग क्या भगाता जा रहा है भाई, क्या भगाता जा रहा है गाड़ी को। एक मिनट भाई देखो तुम्हारे भाई को ना मैं चाहूँ ना 1 मिनट, इसको 2 मिनट में हरा दूंगा, पर भाई उसमें ना मेरी ही गाड़ी का दिक्कत होगी भाई। एक तो गाइस ये बंदा फुल्ली छपरी है, पता क्यों, भैंस की टांग इतने मोटे मोटे टायर लगवा रखे हैं, ऊपर से भाई सुपरा को भाई टक्कर दे रहा है, बताओ भैंस की टांग इतनी अकल आ गई तेरे में,
ये तो भाई इंडियन कार फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। अबे गाइस टायर तो देखो कितने मोटे मोटे लगा रखे हैं भाई साहब, साइड हट भैंस की टांग भाई, भाई साहब बंदा भाई साहब फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेके ना हवा मार रहा है, और मोटे मोटे टायर तो देखो भाई कितने लगवा रखे हैं भैंस की टांग। तुम्हें क्या लगता है भाई तुम मेरे को हरा दोगे क्या? ये देख भाई एक मिनट में तेरे को हरा दिया, बता क्या कर लेगा। नैनो भी तेरे से तेज हो गई साले ने, टक्कर मारी बिना मतलब की टक्कर। एक मिनट अब तू बच मेरे से, एक मिनट अब तू बच, तेरी साले ऐसी की तरह टक्कर कैसे मारी साले, सुपरा पे टक्कर मार रहा है ऐसी चार गाड़ियां आ जाएंगी। एक मिनट रुको भाई साहब, ये बंदा ना बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा है मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उतर के थोड़ी सी तारीफ ही कर दे गाड़ी की, ना साला टक्कर मार के और भगा लेता है। एक मिनट भाई साहब इधर, मैंने अपनी हैंडल कर ली गाड़ी को, चलो ठीक है भाई बंदा रिवर्स ही लेके जा रहा है। अबे साले चलो काम करते जाने देते हैं भाई बंदे को, क्या ही भाई बिगड़ना इससे यार, मतलब इतना अपने पास भी टाइम नहीं है, अपने को एसपीजी सिक्योरिटी का भी काम करना है। चल भाई जा यार, कभी फिर मिलेंगे भाई तेरे से रेस करेंगे यार, चलो ठीक है यार फटाफट से चलते हैं अपने घर पे, क्या ही यार दिमाग खराब कर लिया मैंने। ओके गाइस मैं जो है ना भाई अपनी गाड़ी को फिर फाइनली भगाता हुआ घर पे आ चुका हूँ। अभी मुझे फ़ोन करना है भाई साहब अपना एसपीजी सिक्योरिटी को, आंटी इतना गंदा डरी थी ना भाई सामने ऐसे पलटी मार के गिरी आंटी। चलो ठीक है मुझे एसपीजी सिक्योरिटी मैनेजर को फ़ोन करना है एंड उसको बोलता हूँ भैंस की टांग अगर घर पे सिक्योरिटी नहीं लगवानी तो भैया जो $20 million पर मंथ ले रहा है ना उसका चार्जेस कम कर। अभी मैं काम करता हूँ, फटाफट से भैया को फ़ोन लगाते हैं एंड उसको बोलते हैं उसका नंबर था कुछ भाई कुछ ऐसे ही करके फटाफट से डायल कर लेते हैं। ऑल डन गाइस, मेरी जो है ना एसपीजी सिक्योरिटी प्रोवाइडर से बात हो चुकी है। बंदा बोल रहा है सर थोड़ी वेट कर लो, आज में सिक्योरिटी आपके घर पे लग जाएगी, पूरा फुल्ली आपका घर सिक्योर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू बस कर दे काम। चलो यार एक काम करते हैं, पहले तो बैग को इधर रखते हैं और हमें ना डगन बोस को देने के लिए उसके गोल्ड भी जाना है, वो आज नहीं 2-3 दिन बाद चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए डगन बोस को इतना जरूरत भी नहीं है यार, बाद में देखेंगे। मैं एक काम करने वाला हूँ, जब तक एसपीजी सिक्योरिटी वाले घर पे सिक्योरिटी लगा देंगे तब तक एक झपकी ना ले लें, रात भर भाई पार्टी करी है ना नींद इतनी ज्यादा आ रही है ना क्या ही बोलूं। तो एक काम करते हैं गाइस, गुड नाइट, मैं जा रहा भैया सोने के लिए, गुड नाइट। अबे भाई सोने दो ना यार, ये कौन लग जाता है भैंस की टांग, क्या प्रॉब्लम है भाई, कौन है भैंस की टांग, अब पिटेगा जो भी होगा। बहनी अबे तू क्यों है, क्या दिक्कत है भाई, एक मिनट, ये कह रहा बहुत ज्यादा अर्जेंट बात है माइकल, ध्यान से सुनियो। ऑलराइट गाइस एक बार काम करते हैं इसकी ना, पहले ढंग से बात सुन लेते हैं ढंग से। ऑलराइट गाइस ये कह रहा है ना भाई लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा रेसिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है, और ये कह रहा है मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है उसमें 3 विनर को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को बहुत ज्यादा बड़ा इनाम मिलने वाला है। ये कह रहा ना भाई देख माइकल रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी के अभी चलते हैं, अगर हम उस रेस में जीतते हैं तो देखो इनाम बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट ही जो है भाई वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो ये कह रहा है माइकल याद है 1 साल पहले कितनी तगड़ी तगड़ी रेस खेला करता था, और भाई ये कह रहा है टाइम आ चुका है माइकल वो रेसिंग स्किल को दोबारा से जगाने का एंड इस रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का। क्यों ना भाई इस रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जाए, आप लोग क्या कहते हो भाई, अगर हम इस रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो भाई हमारे तो दिन बदल जाएंगे यार, पैसा होगा गाड़ियां होगी भाई, मैं तो रिचमैन मेंशन ले लूंगा अगर इतना पैसा मिलता हुआ, आज ही ले लूंगा भाई रिचमैन मेंशन में तो इस रेस को जीत के। और बहनी कह रहा मैं ये गाड़ी लेके आऊं, भैंस की टांग भाई इमेज डाउन करवानी है क्या गाइस। देखो मुझे बहनी ने बोला है कि देखो अभी के लिए ना एक कार मीट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े रेसर्स आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो देखो भाई मैंने बहनी को बोला है भाई देख मेरे पास तो कोई गाड़ी है नहीं, बाकी मैंने बहनी को बोला है भाई देख मेरे पास तो कोई गाड़ी है नहीं, मेरा कोई इंतजाम कर। बहनी बोल रहा है भाई माइकल टेंशन मत ले, मैं तेरी गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस तुम एक काम करो अभी के लिए ना बस रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखवा दो। चलो ठीक है भाई देखो अगर रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखवाना है तो भाई देखो हमें ना कोई बहुत ज्यादा लग्जरी कार लेके जानी पड़ेगी, तो देखो यार लग्जरी कार तो अपने पास सारी ही है, बट फिर भी ना एक काम करते हैं बुगाटी से ऊपर कोई नहीं है, और बुगाटी भाई देखो एक बंदा ना हर टाइप की सुपर कार ले सकता है, बट बुगाटी एटलांटिक ना बहुत ज्यादा रेयर कार है, ये ना वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 बंदों के पास है, मतलब उनमें से मैं भी एक हूँ। तो भाई अगर हम ये गाड़ी लेके जाएंगे ना तो अपना इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ने वाला, और मुझे तो ये पता नहीं चला साला सोते सोते रात कब हो गई। मैं सही में यार मैं इस रेसिंग वेसिंग से बहुत दूर जा चुका था, और हमारी जिंदगी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरी पड़ी थी, कभी भाई कुछ कभी कुछ। तो अगर हम आज इस रेस को खेलते हैं
एक तो भैया हमारे पुराने टाइम वापस आ जाएगा, पुरानी स्किल्स वापस आ जाएंगी, क्योंकि भाई देखो जब हम रेसेस खेलते थे ना तब हमारे पास रिचमैन मेंशन भी था, अपना एक शोरूम भी था, बड़ी बड़ी कार्स भी थी और महंगा बहुत कुछ था। क्यों ना भैया एक बार जाके वहाँ पे पूरी कार्रवाई की जाए और पता करना तो चाहिए क्या फर्स्ट प्राइज में सेकंड प्राइज में आखिरकार मिल क्या रहा है। और बैनी ने मुझे ये सारा बताया कि ये सब कुछ एक तो न्यूज में और एक भैया न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा छपवाया गया क्योंकि इसको गवर्नमेंट करवा रही है। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है ना मुझे बताओ भाई, क्या माइकल को इस रेस को खेलना चाहिए? जब तक गाइज मैं रेसर्स के पास पहुंच रहा हूं ना तब तक गाइज आप लोग कॉमेंट करके बताओ क्या माइकल को ये रेस खेलनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलो यार ठीक है, बकबक नहीं करते हैं, गाड़ी बगा के फटाफट से निकलते हैं उसी कार में लोकेशन पे। ओके गाइज हम जो है ना भाई बैनी के साथ मैं पहुंच चुका हूं भाई उसी लोकेशन पे जहां पे भैया बहुत बड़ा कार मीट मतलब रेसर मीट होने वाला है भाई। कितनी बड़ी यहां पे प्लानिंग चल रही है, एक सेकंड रुको, मैं ना गाइज अपनी गाड़ी को ना यहां पे पार्किंग में लगा देता हूं ताकि भाई देखो कोई दिक्कत ना हो किसी को। बाकी चलो ठीक है भाई, हमारे भाई ने यहाँ पे मारी अच्छी खासी ड्रिफ्ट एंड गाड़ी को हमने यहाँ पे लगा दी। चल भाई बहनी फटाफट से आ जा एंड चलते हैं। भैंस की टांग क्या ऑर्गेनाइज करा गया भाई सामने, आ जा भाई फटाफट से देख के आते आखिरकार सीन क्या। और भाई पूरे फुल रात हो चुकी है, अपने चंदा मामा भी भाई साहब इधर निकले नहीं है अभी के लिए, तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो अपना भैया हो चुका है अपना 10:30। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब जाके सीधी बात करते हैं कि आखिरकार भाई इस रेस में कौन आने वाला है और मतलब क्या क्या प्राइजेस होने वाले हैं। भाई देखो इस रेस को ना हमें कैसे भी करके खेलना है एंड बहुत तगड़े तरीके से जीतना भी है। चल ठीक है भाई बहनी आ जा यार फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस हमने यहाँ पे भाई सारी गाड़ियाँ बड़े भी देख लेंगे आखिरकार किस किस के पास कौन कौन सी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ भी है, क्या मस्त तरीके से यहाँ पे भाई पटाखे वटाखे चल रहे हैं। ओके चलो गाइस ठीक है। बाकी भाई साहब बैनी जो है ना भाई वो कह रहा है कि मैंने एक बार गाड़ियां देख लूं कौन कौन कैसी कैसी गाड़ी, तब भी तो भाई ये अपने उस लेवल की गाड़ी का इंतजाम करके देगा। हमारे पास कोई ना अभी के लिए रेसिंग कार नहीं है और मैं बुगाटी को ना एज अ रेस तो नहीं लेके जाने वाला, मुझे एक गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा, वो बैनी करके देगा। ओके गाइस बैनी ने अपना फोन निकाल लिया और यहाँ पे ना फोटोज ले रहा है सारी गाड़ियों। चल भैया बैनी तू ना एक काम कर फोटोज वोटोज ले ले, मैं ना भैया तब तक चलता हूँ यहाँ से एंड देखता हूँ भाई और कौन कौन सी गाड़ियां हैं मस्त मस्त। चलो ठीक है भाई एक लड़की खड़ी है यहाँ पे और ये गाड़ी कुछ इतनी अच्छी मतलब यार देखो गाइस हमने यहाँ पे गाड़ियां तो देख रहे हैं बट ये नहीं पता कि रेस में वो गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी, बट भाई ये भी गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है और रोल्स रॉयस को लेके जा रहा है भाई रेस में जो कि बहुत ज्यादा ओपी लग रही है। बाकी गाइस एक बंदा लेके जा रहा है लैम्बोर्गिनी ज़ेंटेनो, भाई ये भी अच्छी कार है। मसल कार को क्यों लेके जा रहा है पता नहीं भाई, डॉज चैलेंजर तक जा रही है भाई रेस में एंड वेट 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 ये कौन सी गाड़ी है भाई, इस गाड़ी का नाम है डोमिनेटर। चलो ठीक है भाई कोई विंटेज कार तक इस रेस में लेके जा रहे हैं। ओके ये कोई फरारी की सस्ती सी कॉपी लग रही है मुझे, नहीं सॉरी लैम्बोर्गिनी की सस्ती सी कॉपी लग रही है। इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग व्हीकल को क्यों लेके जा रहे हैं कोई पागल हो रखे हैं भाई लोग। हाँ ठीक है भाई ये भी एक सस्ती सी कॉपी खड़ी है। ठीक है भाई यहाँ पे सारे बंदे अपना अपना खड़े हैं, बाकी भाई साहब फरारी देख रहे हो भाई, ये फरारी जाने वाली है इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और ये भी एक बहुत तगड़ी रेसिंग कार है लैम्बोर्गिनी SVJ63। इसको कौन भूल सकता है भाई, सबसे ज्यादा फास्ट ऐसे पागलों की तरह निकलती है भाई ये गाड़ी, बहुत ज्यादा फास्ट है और ऊपर से भाई अपनी है ये कॉनिसिक जेस्को भैंस की टांग गाड़ियां तो भाई एक नंबर है। ओके भाई अभी बाकी के लिए ना और गाड़ियां वाड़ियां देखते हैं। बाकी यार ये लोग भाई यहाँ पे म्यूजिक चला रहे हैं, अरे कोई म्यूजिक में कुछ बजा तो लो। चलो ठीक है बंदा बजा तो रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीनी है तो हम यहाँ पे भी पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार मुझे एक बार गाड़ियां देखनी पड़ेगी आखिरकार और कौन कौन सी मस्त मस्त कार जा रही है, तभी तो भाई मुझे पता चलेगा आखिरकार कौन कौन सी गाड़ियां जा रही है, तो हम भी भाई पूरा ध्यान से देखेंगे। ये जा रही है लैम्बोर्गिनी मॉन्स्टर कार एडिशन भैंस की टांग और ये जा रही है फरारी, भाई क्या मस्त मस्त गाड़ियां लेके लोग खड़े हैं। और ये अपने लॉस सैंटोस की कोई सुपर कार से दोनों मुझे इतना पता नहीं है। बाकी ठीक है भैया तू मस्कुलर बंदे भाई तू भी जाएगा क्या, चलो छोड़ो भाई लैम्बोर्गिनी SVJ63 भाई एक और है। बाकी भाई इन लोगों ने कार्स का बहुत बड़ा मेला लगवाया है, बाकी सारे मतलब रेसर वेसर आने वाले हैं। ठीक है भाई अभी हम अभी के लिए तो हम गाइस देखो गाड़ी तो इनको बता देंगे, मतलब गाड़ी तो इनको नहीं बतानी अभी के लिए, गाइस लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं भले ही कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ तुम रजिस्ट्रेशन अपना नाम करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी ज़ेंटेनो। ठीक है भैया अभी और तो कोई गाड़ियाँ नहीं है, एक काम करते हैं अभी पता करते हैं आखिरकार भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब लोगों को क्या मिलने वाला है भाई, जो मतलब रेस खेलेंगे हमें मिलेगा क्या वो तो पता कर लें। बाकी ठीक है भैया ये जो एक मिनट ये मत बोलियो कि भाई
फर्स्ट और सेकंड बंदे को ये मिलने वाली है। एक मिनट, ये किसी बंदे से बात करूं क्या? ये मैम खड़ी है, इनसे बात कर लेता हूं। ओके गाइस, मेरी जो है ना मैम से बात हो चुकी है। गाइस अब आप लोग सुन के हैरान होने वाले हो, भाई आप लोग का दिमाग खराब होने वाला है। भाई इन्होंने ऐसा प्राइस रखा है ना, आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा। सुनो भाई, प्राइस क्या रखा है भाई? देखो, जो तो फर्स्ट आएगा उसके पास ऑप्शन है, वो ये गाड़ी भी लेके जा सकता है, ये गाड़ी भी लेके जा सकता है। जो सेकंड आएगा, जो फर्स्ट वाले ने गाड़ी छोड़ी है, मतलब मींस अगर मैंने ये गाड़ी ले ली तो भाई वो ये लेके जाएगा, अगर मैंने ये ले ली और मैंने ये छोड़ी तो बंदे को वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट वाले के पास भाई ऑप्शन है, वो कोई भी गाड़ी एक लेके जा सकता है। सेकंड वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो फर्स्ट वाला छोड़ेगा वो लेके जाएगा। थर्ड वाले को मिलने वाला है $5 million। भाई ये गाड़ी है लैम्बोर्गिनी इनविंसिबल, जो कि बिल्कुल नई कार लॉन्च हुई है 2024 में, जो कि लैम्बोर्गिनी की है बहन की आंख। और ये है भाई आप लोग की प्यारी फोर्ड मस्टैंग 2024। भाई ये दोनों कार्स अभी जस्ट लॉन्च हुई है। मैं आप लोगों ना गाइस एक बार ना थोड़ा सा दूर से ना ओवरव्यू दे देता हूँ इस गाड़ी का। ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा ये तो आप लोगों को पता होगा फोर्ड मस्टैंग है, ठीक है ना। और बाकी भाई सब ये आप लोगों को, ये भाई बिल्कुल नई कार है जो कि है लैम्बोर्गिनी इनविंसिबल। भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा मस्त है, एक बार मैं बैठ के देख सकता हूँ क्या अंदर? गाइस गाड़ी सही में बहुत ज्यादा मस्त है भाई, मैं सही में कह रहा हूँ, मुझे ये गाड़ी इतनी अच्छी लगी ना। आप लोग ना भाई एक बार अंदर से देखो गाड़ी को, भाई क्या लग रही है, मैं सही में बता रहा हूँ। अभी तो फुल रात है ना, तो भाई उस वो फील नहीं आ रही और मैं ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग भाई एक बार गाड़ी चेक करो, क्या मस्त है। और भाई देखो आप लोग के सामने दो गाड़ियां खड़ी है। देखो भैया, माइकल को है ना हमेशा फर्स्ट आना पसंद है, बाकी हमें नहीं पता गाइस हमारे साथ आखिरकार क्या होने वाला है, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं या फिर लाइन में ही नहीं आते, क्योंकि गाइस जो गवर्नमेंट है ना वो इस रेसिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है। मुझे नहीं पता कितने बड़े बड़े रेसर आने वाले हैं और कहां रेस होने वाली है और क्या होने वाला है, भैया हमें नहीं पता। बाकी गाइस मैंने ना रजिस्ट्रेशन करवा दी है। ये जो मैम है ना वो आप लोग देख पा रहे हो जहाँ पे मैंने जिससे बात करी थी, ठीक है, मैंने उनको बोला कि मैं इस रेस में इंटरेस्टेड हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। तो बाकी गाइस देखो अभी हमें कार्स भी चेक करवानी पड़ेगी कि कार्स में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है। वो टाइम मिला हमें 2 दिन बाद का, हमें 2 दिन के अंदर अंदर गाइस अभी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आज का दिन तो निकल गया, पूरी फुल रात हो चुकी है, मतलब हमारे पास सिर्फ कल का टाइम है जिसमें हमें एक गाड़ी का इंतजाम करना है। एंड भैया उसमें थोड़े मोटे मॉडिफिकेशन करवाने हैं, कुछ इलीगल टाइप के मॉडिफिकेशन हो, जैसे नाइट्रो वाइट्रो ना हो भाई। इन्होंने नाइट्रो को साफ मना करा है कि नाइट्रो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई बैनी कहाँ चला गया यार? बाकी गाइस अपने सबसे बड़े दुश्मन दी बेलास गैंग भी इस रेसिंग को रेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखो भाई दोनों खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। भाई अगर ये बेलास के बंदे आए हैं ना तो समझो गाइस ये छोटी मोटी रेस नहीं है, ये बहुत बड़ी रेस होने वाली है। क्योंकि भाई देखो बेलास के बंदे अगर आए हैं ना तो भाई इस रेस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, ये हमारे दुश्मन है। तो भैया अपने दुश्मनों को तो कम से कम हमें हराना पड़ेगा। तो भाई देख बहनी, तूने सारी कार्स की अपना PDI कर लिया, ध्यान से देख लिया सारी कार्स को, पूरा परख लिया है। अब बता भाई तेरे को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? भाई मुझे कुछ तो समझा यार। ओके गाइस, मेरी जो है ना बैनी से पूरी फुल बात हो चुकी है। बैनी कह रहा है ना कुछ करते हैं, टेंशन मत ले माइकल, आज की रात एंड होने तक या कल सुबह होने तक हमारे पास एक गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, हम एक गाड़ी लेंगे एंड देन उसके बाद मैं उसको मॉडिफाई करने के लिए लग जाऊंगा। तो भाई बैनी मुझे बोल रहा है कि हमें देखो अभी एक जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पे गाइस रस्टिंग की कार्स आती है और वो बहुत सस्ती रहती है कार्स, ठीक है, कुछ ज़्यादा महंगी कार्स नहीं होती है। तो हमें उस जगह पे जाना है और उस जगह से वो कार लेके आएंगे एंड बैनी कह रहा है उसको मैं बनाऊंगा एक रेसिंग कार। तो भाई ये कह रहा है ना इस रेस को जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना नहीं है कि हमें सिर्फ एक कार मिलेगी, इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि भाई हम रेसिंग में बहुत टॉप पे आ जाएंगे और भाई जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी रेसेस भी होंगी ना, हमारा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसिंग टूर्नामेंट जो फंसा हुआ है फ्रांस सिटी में होने वाला है, उसको तो भाई अभी के लिए थोड़ा डिले ही करो क्योंकि भैया वो पता नहीं कब होने वाला है, इन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। वो तो भैया अपना पिछले मैं कह रहा हूँ 2 साल से चलता आ रहा है, मतलब यार अपने 150 एपिसोड निकल गया पर वो कार रेसिंग टूर्नामेंट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो उसको भाई जो अपनी वीडियो पुराने से देखते आ रहे हैं ना वो लोग भूल जाओ उस बड़े कार रेसिंग टूर्नामेंट को, क्योंकि हमारी 2 कार्स भी वहाँ पे गई हुई है, एक लैम्बोर्गिनी कार रेसिंग कार एडिशन थी, एक मैकलेरन थी, वो 2 कार्स गई हुई हैं, कोई अता पता नहीं है भाई, कुछ नहीं बताते हैं। जब मर्जी फोन करके पूछ रहे हो जाएगा सर, हो जाएगा, आपकी कार सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो यही रिप्लाई देते हैं। तो अभी के लिए उसको भूल जाओ, जो कि भाई पुराने बंदे अपने रिप्लाई करते रहते हैं कमेंट्स में, पढ़ता रहता हूँ, सारे बोलते रहते हैं भाई वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट का क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसको अभी के लिए गाइस
थोड़ा डिले मारो, भूल जाओ भाई उसको। अभी गाइस हमें इस कार रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है और भाई मुझे जीतना भी है। मुझे थोड़ी प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी। प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि बेनी ही कर सकता है। बाकी देखते हैं भाई अभी बेनी ने क्या सोचा है क्या नहीं, क्योंकि भैया देखो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, एक दिन में गाड़ी बेनी कैसे रेडी करेगा? अपनी वाइफ को लगाएगा, खुद लगाएगा? अब भैया देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें एक दिन में कार तो रेडी करवानी पड़ेगी। अब हम गाइस देखो उसी जगह पे जाने वाले हैं, वो गांव की तरफ है और वहाँ पे गाइस बेनी बोल रहा है रस्टिंग की कार्स आती हैं, जो कि भाई मतलब इनको बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है। और बेनी कह रहा है वो मेरा बंदा फ्रेंड है, तो इसको वो बहुत सस्ते दाम में बेच देगा। तो चलो यार ठीक है भाई, अभी बकबक नहीं करते, हमें आज रात तक ना किसी भी हालत में भाई वो गाड़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी बकबक नहीं करते, फटाफट से गाड़ी भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई बेनी की दी गई लोकेशन पे। ओके गाइस, फाइनली भाई रात के 11 बज चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं बेनी के फ्रेंड गैराज पे, जहां पे भैया हमें मिलने वाली है एक बहुत तगड़ी रेस कार। भाई बेनी तेरे फ्रेंड्स पे ना मुझे इतना ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, बट फिर भी मैं भाई जैसे तूने जगह बताई है, जो जगह बताई है, हम भैया वहां पे आ चुके हैं और गाड़ी को ना, अरे एक मिनट रुको, बेनी कह रहा है वो जो सामने देख पा रहा है ना वहाँ पे जाना है। चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, गाड़ी को ना भाई तुम्हारा भाई ड्रिफ्ट मार के बढ़िया तरीके से यहाँ पे लगा देता है। बाकी चलो ठीक है भाई, गाड़ी हमने लगा दी। आज तुम लोग को लग रहा हो ना भाई हम कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्टे मार रहे हैं भाई। अब ने भाई माइकल ने अभी रेस खेलने जाना है तो थोड़े स्किल्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। सुबह से बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट मारी है, रोड पे क्या ड्रिफ्ट बजी थी भाई, क्या ही मस्त सीन हुआ था। चल भाई चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। ओके गाइस, भाई साहब रात के बज रखे हैं 12:30 और हमारा हो रखा है दिमाग खराब, क्योंकि भैया गवर्नमेंट करवा रही है इतने बड़े रेसिंग टूर्नामेंट को। तो भैया अभी मैं सही में बता रहा हूँ भाई, सबसे ज्यादा पागल अपना बेनी हो रखा है। बाकी ठीक है भाई, बंदे देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट लेवल कार को बिल्ड कर रहे हैं भाई। कोई बंदे ने मतलब कस्टम बॉडी बनवाई है और भैया देखो कितनी लंबी कार बन रही है ये, और पीछे कार भी बन रही है, और पीछे देखो भाई नाइट्रो वाइट्रो लगाया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, बेनी जहाँ पे जा रहा है ना मैं भी चलता हूँ उनके पास, एंड जाके मुझे भी देखना पड़ेगा आखिरकार क्या चल रहा है। ओके, ये तो भाई ऐसे मिल रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में भाई बिछड़े हुए दोनों भाई होते हैं। बाकी ठीक है भाई, बेनी जो है ना वो उसको समझा रहा है। ओके गाइस, बेनी जो है ना भाई वो पूरे ढंग से समझा रहा है कि हमें किस टाइप की गाड़ी चाहिए। बेनी बस उसको समझा रहा है क्योंकि भाई ये जो बंदा है ना ये नेक्स्ट लेवल चीजें करता है। मुझे लग रहा है ना भाई बेनी भी जो है ना वो इसी से कार वार का सामान वामान लेता हो, क्योंकि भाई देखो मैकेनिक्स का सामान वामान बहुत सारे और बहुत सारे मैकेनिक्स भी है बंदे के पास। चलो ठीक है भाई, बंदा जो है ना वो हमें लेके जा रहा है। भाई साहब क्या भाई, बंदा इतने बड़े वेयर हाउस का ऑनर है एंड पूरा गैराज संभालता है। चलो ठीक है भाई, ये बंदा यहाँ पे भाई बहनी, ये बंदा पागल है क्या? ये भाई ऐसे सीडान कार्स क्यों दिखाई जा रहा है हमें भाई, क्या कर रहा है भाई ये बहनी बंदा? ओके भाई, बहनी उसको समझा रहा है भाई, जब तेरे को बोला है रेस में जाना है भाई तू क्या बकचोदियां कर रहा है, बंदा बकचोदी कर रहा है यार बताओ। ओके गाइस, यहाँ पे ना ऑटो केयर का टायर्स लगवाए जाते हैं भाई, मुझे ना एक बार देखना पड़ेगा कि आखिरकार बंदे के पास और कितना काम है। ओके, यहाँ पे भाई देखो बहुत सारे टायर्स वायर्स रखे गए हैं एंड मतलब सही है भाई, इनका काम बहुत ज़्यादा सही है। और ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी कार के टायर वायर लगाते होंगे वो यहाँ पे लगाते होंगे और टायर्स का सीन होता होगा। भाई देखो ये गाड़ियाँ ना मतलब कस्टम बनाते हैं भाई। मैं तुम्हें ना थोड़ा ऐसे बता देता हूँ भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे तुम्हारे पास ना रियल लाइफ में एक स्विफ्ट है और तुम्हें उस रियल लाइफ की स्विफ्ट को बनाना है भाई साहब फॉर्च्यूनर, तो भैया ये वो भी कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं क्या नहीं, इनका जादू है क्या नहीं भाई मुझे नहीं पता, रेंज रोवर तक बना देते हैं। अब तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने एक रेंज रोवर खड़ी है, वो रियल है भाई, घंटा रियल है, ये फेक है, और मे भी हो सकता है भाई ये पक्का स्विफ्ट ही होगी, मतलब जिस हिसाब से इनका सीन है भाई। तुम खुद बता सकते हो कि इन्होंने ये रेंज रोवर को कस्टम बनाया है भाई। जिन लोगों को पैशन होता है ना कि हाँ भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ, और उनको भाई एक लग्जरी ऐसी गाड़ी दिखानी है कि लोगों की जल जाए, तो भाई वो लोग ऐसा करते हैं और ये लोग उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करते हैं। भाई देखो अब ये पूरी रेंज रोवर, ये भाई साहब एक मारुति स्विफ्ट का अपग्रेड करा गया है जो कि इनके द्वारा, अभी तुम देख रहे हो। अरे भैया आ रहा हूँ, दो मिनट रुको भाई, तुम्हारी थोड़ी तारीफ तो करने दो लोगों के सामने। और गाइस अभी तुम लोग ये भी सोच रहे होगे ये बहुत तगड़ी गाड़ी बनाई गई है भाई, ऑल्टो का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, ऑल्टो का, सोच रहे हो किस लेवल की यहाँ पे अपग्रेडेशन चल रही है और किस लेवल का पागल बनाया जा रहा है लोगों को। मतलब मैं आके एक बार तो पागल हो गया कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, बट जब इसने बताया ना बेनी ने भाई ऑल्टो है ये, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। ऑल्टो में इतने बड़े टायर, पीछे नाइट्रो लगाया जा रहा है, भैंस की टांग, क्या करके रही है लोग भाई, ये कुछ भी बना रहे हैं, मतलब तुम्हारी ऑल्टो का ये बस भी बना देंगे, ये ऐसे बंदे हैं। मतलब ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, बट तुम लोग बोल रहे हो ज्यादा हो रहा है, बट नहीं यार, सामने देख रहे हो बंपर्स आ रहे हैं और भाई ये बस ऐसी
सीन करते हैं भाई, कुछ भी बना देंगे। अब मेरे पास बुगाटी है तो मैं उस बुगाटी के भाई मतलब इनसे ना भाई लिमोजिन भी बनवा सकता हूँ, पर हमें भाई ऐसे कुछ करना नहीं है, हमारे पास सारी लग्जरी कार्स हैं। चलो ठीक है भाई, बेनी जो है ना अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, अब थोड़ी कार अच्छी अच्छी दिखा रहा है। ठीक है भाई, ये कार्स कितनी महंगी है भैया, कार्स अच्छी हैं बट पैस की टांग भाई, ये कार्स वो नहीं है, ये कार्स किसी अबे यार नॉर्मल पीपल्स की कार है, वो भी ऐसे ही अपग्रेडेशन करने को आई है ये सारी कार्स। मतलब भाई साहब ये बंदा कह रहा है ये दो कार्स हैं जिनको हमने बना दिया है, बाकी की दो कार्स का भी काम पेंडिंग है। जो बंदा ये लिख रहा है कि क्या क्या करना है, कौन कौन से पार्ट्स मंगवाने हैं, भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है। और रियल लाइफ में तुम्हारे पास कोई गाड़ी होगी ना तो बेनी को कॉन्टैक्ट कर लेना भाई, बेनी कुछ भी बनवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है भाई, बंदा यहाँ पे कहाँ लेके जा रहा है, चल भाई बेनी इस बंदे के पीछे पीछे चलते हैं। मुझे ना ये बंदा पागल ही लगता है भाई, ऑल्टो को बना रहा है भाई लंबी कार, मतलब उसको बैटमैन एडिशन में बना रहा था। ठीक है, स्विफ्ट को बना रहा है भाई रेंज रोवर, भाई पागल ही है ये। चलो ठीक है भाई, इस बंदे के पीछे पीछे चलते हैं। अब पता नहीं भाई बेनी कहाँ लेके जा रहा है और ये कौन सी जगह है क्या नहीं। चलो ठीक है भाई, हाँ भैया चलो ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे अंदर। वेट भाई बेनी, क्या करवाने क्या है तू, मुझे एक चीज बताइयो जरा। गाइस बेनी कह रहा है मैं इसके पास से वो गाड़ियां लेने आया हूँ जो अबंडेंट कार्स है जो ये लोग उठाते हैं, एंड बेनी कह रहा है उसको मैं खुद से अपग्रेड करूंगा एंड हम उसको एक रेस कार एडिशन बनाएंगे ताकि हम इस रेस को नेक्स्ट लेवल तरीके से जीत सके। बेनी कह रहा है मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं, और बाकी बेनी की एक्सपर्टीज तो है ही भाई इसमें, जो कि बेनी अपना रिपेयर वेपेयरिंग में कर लेता है। बाकी ठीक है भाई, इस गाड़ी का ना पूरा ही फुल डोर्स वोर्स कुछ भी नहीं है, बम्पर भी नहीं है, गाड़ी पूरी रस्टिंग में है, और भाई गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक हैं बट गाड़ी पूरी रस्ट हो रखी है। भाई बेनी बता भाई लेनी चाहिए कि नहीं। नहीं भाई, बेनी कह रहा है बिल्कुल भी नहीं माइकल, इस पर बहुत सारा काम होगा और हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। चलो ठीक है भैया, हम ये गाड़ी तो नहीं ले सकते भाई बिल्कुल भी। चलो ठीक है भाई, बेनी मना कर दिया हमने कोई ना, और ये ट्रक तो भाई बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बट अगर किसी को नीचे देना है ना भाई आराम से दे देंगे। और ये खड़ी है नैनो, मना भाई सिद्धी ना। आगे खड़ी है एक विंटेज कार जो कि भाई देखो सिर्फ एक पेंट होना बाकी है, अगर इसको साले को हम इस गाड़ी को हम भाई घर के बाहर लगा देना, लोग देख देख के जाएंगे इतनी पुरानी कार। ठीक है भाई, इसको भी छोड़ो, बंदे के पास ना सारी यहाँ पे रस्टिंग कार से अभी बैनी मुझे लेके आया। ठीक है भाई, ये भी गाड़ी को हम मना करते हैं, ये भी बैनी कह रहा है बिल्कुल भी काम की नहीं है, बट ये गाड़ी थोड़ी ठीक है बट इसके टायर ही नहीं है, चारों टायर ही नहीं है, भैंस की टांग रिम लगा रखे हैं सिर्फ। अबे बैनी मना कर रहा है, ओके ये खड़ा है, ट्रक को आधा काट दिया, क्या कर रहे हैं ये लोग भाई, कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है बहनी इनके पास, तो तू कहां ले आया मुझे। ओके ये गाड़ी पे सिर्फ एक पेंट होना बाकी है, बाकी टायर बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ है, और इसके पीछे एक स्पॉइलर लगा हुआ है। मतलब गाइस देखिए, ये रेस कार बनने के लिए रेडी, और बहनी कह रहा है भाई बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, मैं एक बार ना काम करता हूँ, भैया से जाके बात कर लेता हूँ कि भैया गाड़ी ये कैसी है क्या है भाई, इससे जाके बात कर लेते हैं। ओके गाइज, मेरी जो है ना इस बंदे से बात हो चुकी है, और बंदा कह रहा है ना देखो भैया पेट्रोल वेट्रोल नहीं है, गाड़ियाँ यहाँ पे अबंडन होती है ना, जो लोग मतलब अपनी गाड़ियाँ छोड़ के भूल जाते हैं, काफ़ी टाइम पड़ी रहती है, तो ये लोग भाई उन कार को पिकअप करके यहाँ पे रख लेते हैं, कभी कोई पार्ट्स की इंजन की या कुछ और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है ना, तो ये लोग भाई अपनी कार्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, ये बंदा कह रहा है ना देखो सर हमारे पास इसको घर ले जाने तक का सीन तो नहीं है, आप इसका इंतजाम करो। बेनी फ़ोन कर रहा है अपनी वाइफ को, जो कि भैया टो ट्रक लेके आ रही है, मतलब बताओ भाई अपनी वाइफ को बोल रहा है कि टो ट्रक लेके आए, बाकी भैया इस गाड़ी को तो बाहर निकलवा सकते हो ना आप, इतना तो कर दो। बाकी बेनी मुझे नहीं पता, एक 24 घंटे का टाइम है बेनी के पास, ये 24 घंटे में रेस स्टार्ट होने वाली है, और ये 24 घंटे में बेनी इस गाड़ी को क्या से क्या करेगा भैया मुझे नहीं पता, मेरा तो लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है। बट हाँ बंदा कह रहा है इसमें पेट्रोल नहीं है और आप इसका पिकअप कर लो, और भाई बेनी पेमेंट का तो तू समझ लेगा ना भाई, इससे कोई बात तो नहीं है ना। ओके गाइस, बेनी कह रहा है पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसने अपनी वाइफ को फ़ोन कर दिया है, वो भाई 2-5 मिनट में आती ही होगी। चलो ठीक है भैया, हम फटाफट से यहाँ से चलते हैं बाहर। बट गाइस इनका जो काम है ना वो देख के मेरा दिमाग हिल गया भाई, मतलब भाई तुम्हें स्विफ्ट को रेंज रोवर बनते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, पर ये लोग कर रहे हैं भाई, यही तो दिक्कत है ना, कोई जो चीज़ कोई करता ही नहीं है, जिसको पता नहीं है वो ये लोग कर रहे हैं। भाई साहब बताओ यार, बॉडी ही चेंज कर लो भाई पूरी, और यहाँ पे लेम्बोर्गिनी उरुस खड़ी है,
अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मैं इस पर पूछता बनूँ कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं, बट ठीक है भाई छोड़ो, इश्क में भी कुछ ना कुछ घपला ही है भाई, देखो तो सही बंदा इंजन फिट कर रहा है, घपला ही है भाई, पूरा घपला है। चलो ठीक है, ओनर जो है ना भाई वो रस्टिंग कार को बाहर निकलवा रहा है, बाकी भाई नहीं अपना काम कर देगा। चलो ठीक है भाई, हम चलते हैं यहाँ से बाहर, अबे एग्जिट का रास्ता वहाँ पे, चलो यार फटाफट से चलते हैं भाई यहाँ से बाहर। ओके गाइस, हम जो है ना भाई यहाँ से आ चुके हैं बाहर। ऑल राइट भाई, चल ठीक है भाई बहनी आ जा। और ओनर साहब ने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल दिया भाई, देखो यही एक गाड़ी है जिसका सिर्फ एक पेंट खराब है। ओके भाई, बहनी की वाइफ आ चुकी है गाड़ी को लेके। अरे 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 मैम, एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप ना ये जो मेरी बुगाटी खड़ी है ना, इसको बहनी के गैराज तक ले जाओ, बाकी हम आप काम आगे का कर लेंगे, आपने यहाँ तक ले आई थैंक यू सो मच, आप ले जाओ इसका आगे का काम मैं कर लूँगा। आ जा भाई बहनी, मैं ही लेके चलता हूँ भाई, तेरा काम आसान करना है, क्योंकि भाई देखो 24 आवर ना बेचारों इन दोनों को काम करना है अभी भाई, इनका काम जितना मेरे से आसान हो पाता है मैं करूँगा, और देखो भाई सिर्फ बहनी मेरे लिए इतना कर रहा है। आ जा भाई बहनी, फटाफट से बैठ जा ट्रक के अंदर। चलो ठीक है भाई, मैंने गाड़ी तो कनेक्ट कर ली है। भाई ये क्या कर रही है? ओ मैम, ओ हेलो, अबे बहनी समझा इसको भाई, क्या कर रही है ये, खटपट मारी जा रही है, बताओ भाई मतलब क्या है भाई। ठीक है तुम एक मैकेनिक हो, बट ये थोड़ी है कि भाई मतलब तुम यार किसी की गाड़ी ऐसे खराब करो, पर ठीक है भाई बहनी के सामने ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते ना भाई। बहनी गाइस देखो, सही में बता रहा हूँ, इसमें इस प्राइस में ना सिर्फ दो कार्स ही हैं, मतलब एक तो आप लोगों ने देख ही ली भाई लैम्बोर्गिनी इनविंसिबल, एक देख ली गाइस आप लोगों ने। अबे मैम प्लीज़ ऐसे मत करो, क्यों गाड़ी को ख़राब कर रहे हो, प्लीज़ यार ले जाओ ना यार। एक तो भैया फोर्ड मस्टैंग 2024 एडिशन, तो देखो भाई इससे बहनी को घंटा कुछ मतलब नहीं मिल रहा, बहनी बोल रहा है मैं गाड़ी को इस लेवल का अच्छा बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा ना, और मॉडिफिकेशन जीरो। ठीक है क्यों? क्योंकि देखो भाई रेस में तुम लोगों को पहले ही पता है कि उन लोगों ने पहले हमारे सामने ये डिमांड रख दिया कि भाई चेक होने वाली है गाड़ियाँ कि कोई ऐसी गलत तरीके से मॉडिफाई तो नहीं कर रखी। बैनी कह रहा है पूरी लीगल तरीके से मॉडिफाई हो गए, जो कि रेस में भी जाएगी, और बैनी ये सब इसीलिए कर रहा है कि ताकि हमारी इमेज सुधर सके, और बड़े बड़े रेसिंग टूर्नामेंट्स जो आएंगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट भाई, उसमें हमारे हमेशा हमारा नाम आगे रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो कोई भी बंदा अगर रेस को जीतता है ना भाई, तो मतलब उसका ना नाम आएगा न्यूज़ में, क्योंकि ये करवा भी गवर्नमेंट रही है, तो भैया नाम न्यूज़ में आएगा एंड न्यूज़पेपर में आएगा, थोड़ा माइकल की इमेज सुधरेगी, क्योंकि भाई देखो सबको पता है माइकल कितना ज़्यादा गैंगस्टर टाइप का बंदा है, तो हर बंदा डर के रहता है, तो रेस वेस करेंगे थोड़ा माइकल की फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, तो थोड़ी इमेज भी सुधर जाएगी। बैनी सिर्फ हमारी इमेज के लिए कर रहा है भाई, ऐसा दोस्त होना चाहिए लाइफ में। अबे ओ भाई, ये भाई ऐसे डिटैच कैसे हो गई गाइज, मैं सही में कह रहा हूँ भाई, बैनी जैसा दोस्त ना मिलना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट भाई जिसके पास ऐसा दोस्त होता है ना भाई, उसकी लाइफ तो सेट है, तो बैनी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलो यार ठीक है भाई, बकबक नहीं करते, फटाफट से ट्रक को लेके जल्दी से चलते हैं बैनी के गैराज के लिए। चलो यार ठीक है भाई, अभी रात का तुम देखो भाई, सीन एक बज चुके हैं, और ये रात के एक बजे से लेके कल रात के एक बजे तक बैनी पूरा फुल काम करने वाला है, वो सिर्फ मेरे लिए। चलो ठीक है भाई, बहनी की वाइफ जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। चल ठीक है भाई बहनी, मैं इस ट्रक को यहाँ पे लगा के भैया मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और अभी भाई बहनी जो भी आगे का काम है भैया तू ही करेगा, और हैट्स ऑफ यू भाई बहनी, तेरे को और तेरी वाइफ को पूरे पूरी रात इसमें लगने वाली है। मेरे पास गाइस वर्ड्स नहीं है कि मैं बहनी को भाई कैसे थैंक यू बोलूँ भाई, बंदा धक्का बक्का लगा के ना वो उसका हुक निकालने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है भैया, एंड मैं यहाँ से निकलता हूँ, और हमें अभी जाना है अपने घर पे, आराम करते हैं, और कल भाई साहब बैनी को काम करने देते हैं। और भाई एक हाँ एक और गुड न्यूज़ बता देता हूँ आप लोगों को, गुड न्यूज़ ये है कि भाई बैरी का फ़ोन आया था कल, ठीक है मेरे बर्थडे वाले दिन बैरी का फ़ोन आया था, शोरूम का एक रूम बन के पूरा फुल रेडी हो चुका है। वो कौन सा रूम है वो भैया हम सुबह अभी शोरूम देखने जाएंगे तो सारा पता चल जाएगा। तो चलो यार ठीक है, बक बक नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं पहले तो घर पे। ओके गाइस, पूरे रात के एक बजे बज चुके हैं, और भैया तुम्हारा भाई आ चुका है भाई फाइनली घर पे, भाई अपना सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बैनी के पास पहुंच चुकी है भाई गाड़ी, अभी बैनी हमें कल शाम तक भाई वो गाड़ी भी डन करके दे देगा। बाकी चलो ठीक है भाई, घर पे तो आ चुके हैं, और अपनी सुप्रा क्या मस्त लग रही है भाई सामने खड़ी हुई, भाई भाई क्या ही बताऊं। चलो ठीक है भाई, बुगाटी को लगाते हैं फाइनली अपने घर के अंदर, और एक सेकंड, नींद इतनी ज़्यादा आ रखी है ना अपने माइकल को भाई, उसको ढंग से पता ही नहीं चल पा रहा, अभी भी मैं बात ही कर रहा था ठोक दी, पर देखो भाई बुगाटी का लोहा है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है भाई, कुछ हुआ भी नहीं है ढंग से, थोड़े बहुत स्क्रैचेस ही आए हैं। चलो ठीक है भाई, फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और फटाफट से चलते हैं भाई सोने का करते हैं, उसके बाद गाइस हमें सुबह जाना है सीधा बैरी को मिलने के लिए। बाकी
रात के 1 बजे भाई ये लोग मूवी देखने लगे पड़े हैं। बताओ एक मिनट यार, मेरे को लगी है भाई थोड़ी सी भूख और फटाफट से जाके एक जूस का गिलास पीते हैं, उसके बाद भाई मैं जाने वाला हूँ सोने के लिए, क्योंकि भाई आज मैं थक चुका हूँ पूरा। एंड सोने के बाद उठने के बाद भाई सीधा चलेंगे अपने शोरूम, देख के आएंगे कितना काम हुआ है या फिर कितना नहीं। चलो भाई माइकल ने जो भी है अपना जूस वूस पी लिया है, फटाफट से चलते हैं कपड़े चेंज करके सोने के लिए। भाई सही में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है और कल का दिन अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि भाई कल जो है अपना गाड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी एंड उसके बाद भाई अपना रजिस्ट्रेशन भी नंबर भी आ जाएगा। बाकी हमें परसों गाड़ी लेके जानी है और उनको दिखानी है कि अपनी गाड़ी कौन सी है कौन सी नहीं, बहुत सारे काम है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। चलो भैया अभी जो है ना अपने पास ना तो नहाने का टाइम है ना कुछ, फटाफट से बस कपड़े पहनो और भैया अपना जूस का गिलास हमेशा रेडी रहता है, तो आज हम कपड़े भाई सिंपल पूरे फुल कैजुअल पहन के चलते हैं। अभी हमें जाना है बैरी को मिलने के लिए और शोरूम का कितना काम हुआ है, कौन सा भाई साहब अपार्टमेंट बन के रेडी हुआ है वो भी सब देखने जाना है। तो चलो यार ठीक है भाई, सही में बता रहा हूँ गाइस मैं यार क्या ही बोलूँ अभी आप लोगों को, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें जो होने वाली आज। चलो ठीक है भाई, ये फैमिली अपनी पागल ही है, रात की मूवी देखी जा रहे हैं भाई ये लोग। चलो ठीक है, अपना जूस बना के रेडी रख दिया है जो कि अमेंडा का बस काम बढ़िया है भाई, ये काम बढ़िया है अमेंडा का भाई, जो अपना कुछ मर्जी करे बस माइकल के लिए ना भाई हमेशा सब चीज़ें रेडी रहती है भाई। बाकी ठीक है भाई, खाना वाना सब कुछ हो चुका है, भूख भूख बिल्कुल भी नहीं है। अभी फटाफट से हमें जाना है मिलने के लिए अपना बैरी को, तो बैरी को मिलने के लिए मैं भाई आज लेके चलता हूँ अपनी सुपरा, क्योंकि बैरी को भी दिखाएंगे अपने पास क्या तगड़ी सुपरा है। अबे यार ये गाने वाने क्यों ऑन बजाता है भाई, समझ में ही नहीं आता। चलो ठीक है भाई, ये काफ़ी टाइम पहले ग्रीन कलर की सुपरा ये वाली सेम टू सेम अपने पास हुआ करती थी, अभी भैया येलो कलर की आ चुकी है अपने पास। बाकी गाइस यहाँ से अब चलते हैं सीधा बैरी को मिलने के लिए। अभी बैरी को मिलके ना भाई अपना जो शोरूम है वो पूरा फुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद भाई अपना शोरूम का काम भी शुरू कर देंगे। बाकी यार उसने बोला था कि सिर्फ एक ही जो है भाई मतलब काम स्टार्ट हो, मतलब एक ही जो बन के कंपार्टमेंट रेडी हुआ वो कौन सा कंपार्टमेंट होगा। गोली तेरी प्यास की ना, ये गोलियां कौन चला रहे हैं, चल निकल यहाँ से, बिना मतलब के बंदे गोली चला रहे थे क्या। अबे एक सेकेंड, ये कौन लोग हैं भाई, रुकियो जरा, ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं लग रहे भाई, मुझे ना एक काम करना पड़ेगा, कोई बंदा मुझे लग रहा है ना मेरे से पंगे लेने के लिए आ रहा है, और भाई वो अकेला नहीं आया, कुछ बंदे लेके आया, 3-4 तो मैंने मार दिए भाई बहुत सही तरीके से, बट अब मुझे अगर उससे पंगा लेना तो मुझे थोड़ा सा तो दूर जाना पड़ेगा ना। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है ना कोई बंदा अपने से जानबूझ के पंगे ले रहा है, अब वो कौन है कौन नहीं वो देखना पड़ेगा। ये देखो मैंने बोला था ना भाई ये लोग तो बेलास के बंदे हैं, अबे इन बेलास के बंदों को तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इनको तो मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं है, ये पुरानी लड़ाई को ख़त्म नहीं कर रहे हैं गाइस, मैं सही में बता रहा हूँ तुम्हें, ये पुरानी लड़ाई को ना ख़त्म करने पे ही नहीं आ रहे। एक तो ना यार मेरा दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि भाई ये लोग पंगे ले रहे हैं ना। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैं अभी तक एसपीजी सिक्योरिटी को फोन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये है कोई ज्यादा नहीं है भाई, 4-5 लल्लू पंजुओं के लिए एसपीजी को क्यों तंग करना, तेरी भैंस की टंग भाई। उधर बंदे देखो भाई कितने, एक मिनट मेरे पास ना अच्छी खासी गन्स वंस है भाई, आज तो इन लोगों को मैं छोड़ने नहीं वाला। एक मिनट, ये वाली गन यूज करते हैं आज, आ जा भैंस की टांग तेरी भाई, निकल के आओ तुम लोग, ये 4-5 लल्लू पंजुओं के लिए मैं एसपीजी सिक्योरिटी को क्यों ही तंग करूंगा, इतना तो तुम्हारा भाई खुद ही बहुत तगड़ा प्लेयर है। चलो ठीक है, एक मिनट भैया, बाइक पे आके ना मारना तो हर कोई कर सकता है, बट सीधा आओ ना, एक मिनट, एक वहां पे बैठ के बंदे मार रहे हैं भाई, रुको तेरी भैंस की टांग, रुको इन लोगों ना मैं अभी मजा चुकाता हूँ भाई साहब, इनका ना मेरे पास अच्छा जुगाड़ है। अबे रुक, तेरे को तो आग लगा दूंगा साले मोलोटोव फेंक के भाई, कहां तक, ओवे ओ नहीं ओ भाई बंदा पागल है क्या जो गाड़ी चला रहा है, एक मिनट। चलो ठीक है भाई, मोलोटोव से किसी को तो कुछ अटैक पड़ा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुको गाइस, इनसे अगर पंगा लेना है ना मुझे तो बहुत ढंग से पंगा लेना पड़ेगा, ऐसे इनसे पंगा ले भी नहीं सकते। चलो भाई एक बंदा तो गया, ओके एक मिनट मैडम जी तुम निकलो पहले यहाँ से, गाइस मुझे लग रहा है एसपीजी सिक्योरिटी को फोन करने का टाइम आ चुका है भाई, ऐसे मतलब ये कम नहीं है भाई, बंदे बहुत ज्यादा हैं। अरे एक मिनट, तेरी भैंस की टांग, पहले तो बाहर निकल के लड़ाई कर भाई, घास में गोलियां बजाई जा रहा है बेचारे ने, इतनी गोलियां घास में खराब कर दी भाई। ये बेलास के बंदे ना भाई पुरानी लड़ाई को भूलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब जो आप लोगों को पता होगा हमने बेलास पूरी ग्रूव स्ट्रीट को आग लगा दी थी और बेलास गैंग को खत्म करने का हमने वो सोच लिया था, पर ये लोग ना भैया मतलब बिल्कुल ही सोच के बैठे कि माइकल को खत्म ही कर देंगे, पर ऐसे माइकल कब खत्म हो जाएगा। मैं ना भाई कॉल कर लेता हूँ एसपीजी सिक्योरिटी को, क्योंकि भाई ये ज्यादा हो रहा है, ये एक दो नहीं है भाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एसपीजी सिक्योरिटी को फोन कर लेता हूँ।
ओके गाइज, मैंने एसपीसी सिक्योरिटी को फोन तो कर दिया है, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे साइड पे जाना पड़ेगा, अब वो आ जाएंगे, उसके बाद तो इनकी भैंस की टांग करके रख देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। चलो ठीक है भाई, वो प्लेन जो है वो मुझे लग रहा है इधर ही आ रहा है। नहीं नहीं, वो अपना प्लेन नहीं है भाई, वो मैं थोड़ी सी गलत फहमी में लग गया भाई, अभी तो बात हुई है, एक सेकंड में प्लेन आ गया क्या? रुको रुको रुको, तेरी भैंस की टांग भाई, ये लोग ज्यादा हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको रुको थोड़ा सा ना, मैं शांति से एरिया टाइप चलता हूँ जब तक भाई एसपीजी सिक्योरिटी नहीं आती है, और तुम्हारा भाई अकेला कर लेगा भाई, हैंडल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो भैया मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मैं इनके साथ लड़ता फिरूं, बट एक सेकंड भाई, ऊपर से एसपीजी सिक्योरिटी वाले तो आ गए हैं, इतने मुझे इन लोगों ने हैंडल तो करना पड़ेगा भाई, उनके सामने मुझे अपने आप को कमजोर तो नहीं दिखाना है। एक सेकंड, हेलीकॉप्टर आ गया भाई इनका, और वो देखो भाई प्लेन जा रहा है जिसने, ये लोग पैराशूट से आ रहे हैं, भैंस की टांग, अब तो नहीं भाई कोई टिक पाएगा, ये बेलास के बंदे अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं ना, अब टिक के दिखाओ बहन की आंख, तुम्हारे बाप आ चुके हैं भाई, आ जाओ भाई सिक्योरिटी वालों, भाई ये लोग ना बहुत गंदे गंदे पंगे ले रहे हैं भाई, प्लीज यार हेल्प करो भाई मेरी। और ये देखो भाई, जैसे उसने गोली बजाई, ये पावरफुल एसपीजी आ चुकी है क्या? एक मिनट, ये पावरफुल एसपीजी आई है क्या भाई? रुको रुको, मुझे इतना पता नहीं है, पर एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से आरपीजी गई है भाई, भैंस की टांग भाई, एक मिनट भाई, तुम्हारी भैंस की टांग पावरफुल एसपीजी कहां से आ गई? एक मिनट गाइस, मुझे थोड़ा सा छुपना पड़ेगा साइड पे। गाइस, मुझे एसपीजी सिक्योरिटी वालों ने भैया मिनी गन पकड़ा दी है, और बोल रहे सर आप बिना गंदे तरीके से फायर करो। भाई एक सेकंड, तुम लोग यहां पे देखो भाई, आखिरकार चल क्या रहा है? भैंस की टांग आरपीजी पे आरपीजी पूरे फुल गंदे तरीके से जा रही है भाई, वो देखो भाई, ये सिक्योरिटी वाले तो पागल हो चुके हैं भाई, एसपीजी सिक्योरिटी वाले सीधा आरपीजी निकालते हैं, ये देखना भाई, वो देखो कैसे जा रही है आरपीजी पे आरपीजी भैंस की भाई, उधर देखो, एक मिनट साले जरा इधर आना भाई, कितनी फास्ट स्पीड से निकला बंदा भाई, एसपीजी पे एसपीजी की तो बात ही अलग है, भैंस की टांग भाई, बंदे जो है ना आरपीजी के अलावा बात ही नहीं कर रहे हैं, और ये बंदे भाई थोड़े से हैं मतलब जो गोलियों से बात कर रहे हैं, ये देखो भाई ये सीधा आरपीजी छोड़ने वाला है, ये देखना जैसे ही वो बंदा पास आएगा ना, ये पक्का सारे रॉकेट छोड़ने वाले हैं भाई ये लोग। एक मिनट थोड़ा सा आगे आ जाओ भैया, कोई भी हमें यहाँ पे ना टिकने, किसी को टिकने नहीं देना भाई, ये बेलास के बंदे अपने आप को पता नहीं भाई क्या समझते क्या नहीं, मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ना सालों जान ले लूंगा, पूरी बेलास गैंग को जड़ से खत्म कर दूंगा अगर मेरी कोई गाड़ी को कुछ हुआ। पर एक सेकंड गाइस, अपनी गाड़ी के पास आग लग चुकी है भाई, रुको मुझे गाड़ी को ना साइड लगाना पड़ेगा, एक मिनट चलो ठीक है, गाड़ी को मैंने ना भाई यहाँ से साइड कर लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, गाड़ी को मैंने साइड कर लिया है, बट भाई एसपीजी सिक्योरिटी वाले लिटरली बता रहा हूँ गाइस, एसपीजी सिक्योरिटी वाले सही में बता रहा हूँ, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गंदे तरीके से फाइट चल रही है, देख रहे हो भाई आरपीजी पे आरपीजी आ रही है भाई, भैंस की टांग क्या चल क्या रहा है, अरे ऊपर भाई इसको भी तो देख लो, इसको भी तो मार लो, भैंस की टांग ये ऊपर अकेला, एक मिनट रुकियो जरा साले जरा नीचे आ। गाइस एसपीजी सिक्योरिटी ओपी भाई, पूरा फुल स्पैम कर दो भाई, मुझे नहीं पता क्योंकि भैया ये लोग ना पागलों की तरह भाई, उधर देखो भाई रॉकेट पर रॉकेट जा रहे हैं, उधर देखो भाई हेलीकॉप्टर वाला जो मार रहा है वो अलग, इधर रॉकेट पर रॉकेट तो देखो भाई कैसे जा रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, ये लोग उसको छोड़ने ही नहीं वाले, देखो तो सही भाई, ये देखो भैंस की टांग भाई, मैं सही में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गंदे तरीके से फाइट चल रही है यहाँ पे भाई, इधर देखो भाई रॉकेट पर रॉकेट ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं भाई कहाँ बॉम्ब गिराने जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में बॉम्ब गिराने जा रहे हैं ये लोग, इस हिसाब से फाइट करते हैं। ओके गाइस, इधर भी ना एसपीजी वाले बंदे जो है ना भाई वो भी आ चुके हैं अपने पीछे पीछे भागते भागते, निकालो भैंस की टांग गन्स भाई, तुम लोग लड़ो भाई, और के भाई सही में सिक्योरिटी तो एक नंबर है भाई, अभी तक तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर, एक भैया ये लोग बंदे बस इतने ही आए हैं, और इन लोगों ने भाई गन बजा के रख दिया पूरा फुल भाई, ये बेलास के बंदे ना जानबूझ के अपने से पंगा ले रहे हैं, मैं गाइस मैं बता रहा हूँ यार, मैं इन लोगों को छोड़ने नहीं वाला भाई, ये जानबूझ के हमसे पंगा ही लेते हैं, ताकि भाई मैं क्या ही बोलूं यार, बाकी ठीक है अभी मैं एक काम करता हूँ भाई, तुम लोग ना भाई एसपीजी वालों थोड़ा सा संभालो भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि भाई देखो मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, और बैरी के ना भैया फोन पे फोन भी आ रहे हैं, ठीक है भाई एसपीजी सिक्योरिटी वालों तुम लोग ना भाई यहाँ पे लड़ो, मुझे भैया यहाँ से निकल ले, तो ये देखो मारी भैंस की टांग ये भाई, एक मिनट मुझे ना बहुत स्पीड में निकलना पड़ेगा, किसी को पता ना लगे कानो कान कि भैया मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और अपने एसपीजी वाले संभाल लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से निकलता हूँ पूरे फुल स्पीड में सीधा अपने यूट्यूब के शोरूम के लिए। ओके गाइस, भाई मैं ना अपनी सुप्रा को फुल स्पीड में भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ फाइनली अपने शोरूम में, भाई मेरे अंदर की एक्साइटमेंट ना नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, क्योंकि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बन के रेडी हो चुका है भाई, एक मिनट
इतनी एक्साइटमेंट कि मैंने 2-3 कट ही भाई पीछे कर दिए। 1 मिनट यार, यहाँ से ना भाई मुझे कट लेना पड़ेगा। और वेट यार भाई, ड्रिफ्ट के चक्कर में ना कट की ऐसी तैसी कर दी मैंने। रुको रुको रुको, यहाँ से ले लेते भाई कट। बाकी चलो ठीक है भाई, ये 1 मिनट, चलो ठीक है भाई, ज़्यादा पोल को हमने डैमेज पहुँचाया भी नहीं है, थोड़े ही पोल हैं। बाकी ठीक है भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पे गाड़ी को भगाता भगाता पहुँच चुका है भाई अपने खुद के शोरूम पे। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चल रहा है। एंड अभी हम एक काम करते हैं भाई, देखो गाड़ी यहाँ पे लगा के ना अंदर जाने का ना कोई सेंस बनता नहीं है, तो भाई देखो हमें ना पीछे के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जो कि भाई इधर से जाता है। भाई बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है अपने शोरूम को, क्योंकि यार गाइस देखो मतलब काम इतना ज़्यादा चल रहा है ना, ईंटे पत्थर भाई सब ऐसे गिर रहे हैं, ऊपर से कोई लग भग गया ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ऐसे हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। बाकी शोरूम का जो काम चल रहा है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब तेज़ी से चलवा रहा है बैरी। मैंने बैरी को बोल रखा है कि भाई देख, तूने काम अगर लेट करवाया ना, सीधी सी बात है मैं ना कोई और बिल्डर हायर कर लूँगा। चलो ठीक है भाई, अभी हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे भी खड़े हैं। अबे यार क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, गाड़ी लॉक भी करी थी। ओके ठीक है भाई, लॉक जो है वो हो चुकी है गाड़ी। बाकी जाके अब हम बैरी से मिलते हैं और भाई पूछते हैं उसको आखिरकार कौन सा ऐसा कंपार्टमेंट है जो बन के रेडी हो चुका है। बाकी एक सेकेंड, मुझे लग रहा है काम तो भैया उसका भी शुरू हो चुका है जो सामने देख पा रहे हो, और उसका भी शुरू हो चुका है, तोड़ मरोड़ शुरू हो चुकी है। देखो भाई कैसे तोड़ा हुआ है, मतलब ढंग से उसका एक शटर जो आता है वो लगाया जाएगा। बाकी मुझे लग रहा है बैरी सामने ही खड़ा है। ओके भाई यहाँ पे कुछ बनाया है क्या, मैं फटाफट से जाके बैरी से बात करता हूँ। रुको ये आगे ना भाई सीधा नीचे ही ना दे दे। चलो ठीक है भाई, बैरी से बात कर लेते हैं। ओके गाइस, मेरी जो है ना बैरी से पूरे फुल बात हो चुकी है। बैरी कह रहा है माइकल ये जो सामने वाला गेट है ना, फटाफट से जा और यहाँ पे जाके देख, तेरे लिए सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है भाई, जाके देखना तो पड़ेगा ही। एक सेकेंड भाई, ये शोरूम की ये चीज बन के रेडी हो गई है क्या? बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बन के तो रेडी हो गया ठीक है, पर ये सब सामान कहाँ से आया, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाके बैरी से पूछना पड़ेगा। भाई बताइए जरा बैरी, अंदर सामान कहाँ से आया? ओके गाइस, मेरी जो है ना बैरी से बात हो चुकी है। बैरी मेरे को बोल रहा है हमने ना थोड़ी देर पहले ही मजदूर भेजे थे यहाँ से, कुछ तकरीबन 20 से 25 मजदूर बैनी के पास, बैनी जो अपना फ्रेंड जो गाड़ी बना रहा है ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके पास गए, बहुत सारे जो कार का पार्ट्स थे वो सारे लेके वो यहाँ पे आए एंड उसके बाद यहाँ पे रख दिया। बैरी कह रहा है मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है, जो कि तुम्हारे चैनल का मतलब मोहित गेमिंग वर्ल्ड का एक जो चैनल का लोगो है ना उसको भैया इसने इल्यूमिनेट करके बनाया है, जो कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा तरीके से चमकता है। बाकी ठीक है भाई, बंदे ने ये भी काम कर दिया है। एंड बाकी ठीक है भाई, यहाँ से एग्जिट को हमने वैसे भी बंद करवा रखा है, ये तो जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए, या तो फिर इसके बाहर मतलब क्या ही होगा यार, वहाँ दूसरा दरवाज़ा होगा, चलो ठीक है वो हमारे काम का नहीं है। पर बैनी ने इतना सारा सामान भेज दिया इसके अंदर, सबके अंदर ना भाई कार्स के पार्ट्स हैं। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई डब्बे भाई अभी अभी ऐसे रखा है, जैसे डब्बे ना अभी के अभी रखे हुए हैं, मतलब अभी अभी ला के रखे हुए हैं। तो भाई अपना एक अपार्टमेंट बन के तो रेडी हो चुका है। अभी गाइस अपना बैनी का शोरूम एंड अपनी प्राइवेट पार्किंग, उसके बाद मेन शोरूम, ये तीन तो भैया पेंडिंग है। बट एक सेकेंड भाई, बैरी जरा इधर आइयो, भाई बैरी इधर आ, जल्दी 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 इधर आ, तेरे को ना एक चीज़ दिखानी है मुझे। गाइस एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप लोग भाई ऊपर बैनर्स देख रहे हो, इसको भी चेंज करवा दिया गया क्या बैरी के द्वारा? बैरी ये जो बैनर्स दिख रहे हैं इनको भी चेंज करवाया क्या तूने? गाइस बैरी कह रहा है हाँ भाई इसको चेंज करवाया, क्योंकि यहाँ पे यू टूल के ना एडवर्टाइजिंग लगी हुई थी, तो इसने भाई वो उतार के ना शोरूम वालों से कांटेक्ट करके यहाँ पे, मतलब शोरूम को नहीं कंपनीज को, जैसे फरारी लैम्बोर्गिनी उनको कांटेक्ट करके भाई उनके यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लगा दिया, थोड़ा पैसा उनके द्वारा हमें आता भी रहेगा, मतलब मेरे को आएगा इसको नहीं। चलो ठीक है भाई, ये तो पूरी दीवार ही निकाल दी गई है, अंदर भी बहुत कुछ बनेगा। अभी अपना एक काम तो बन के रेडी हो चुका है, बाकी और कामों के लिए हमें गाइस मतलब टाइम लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है और फरारी का यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लगी हुई है। चलो ठीक है भाई, बाकी यहाँ पे तो भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि पूरा टूट वूट के वो होगा। अच्छा बैरी, मुझे ना एक चीज़ काम करवाना है तेरे से। भाई देख, मेरे को जब भी यहाँ पे आना पड़ता है ना गाइस, मुझे सही बताना, हमें हर बार बोलना पड़ता है यू टूल। क्यों ना भैया पहले इसी का काम नाम चेंज करवा दें। भाई बैरी बात सुन, जल्दी से आ आज ना भाई, तू बैरी सारे कामों को छोड़ दे, बिल्कुल सब कुछ वहीं पे रोक दे, पॉज कर दे सारे काम को। अभी तूने पता क्या काम करना है,
तुझे काम करना है, ये जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे भाई साहब माइकल मोटर से लगवा दे। पहले तो तूने माइकल मोटर लगवाना है आज के आज ही, और भैया कल मैं जब आऊं तो भैया मुझे यहाँ पे माइकल मोटर्स ही देखने को मिले। बाकी भाई यहाँ पे जो सामने यूट्यूब लिखा है वहां पे भी माइकल मोटर, जो भाई वहां पे एंट्रेंस लिखा है वहां पे मेरा नाम लिखना आना चाहिए, मोहित गेमिंग, मतलब वहां पे मेरा नाम लिख के आना चाहिए। ठीक है ना भाई, बैरी समझ गया ना, इसको समझा देता हूँ। मुझे ना कोई कॉल भी आ रही है यार, रुको। बाकी मैंने बैरी को समझा दिया, जो कॉल पता नहीं कहाँ से आ रही है मुझे। ओके गाइस, मुझे कॉल आई है भाई उन्हीं कार रेसिंग वालों की, और वो लोग बोल रहे हैं सर आपने कार मतलब आपने इस रेस में हिस्सा लिया है। मैंने बोला हाँ जी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, और वो लोग बोल रहे हैं हम जो है ना एक प्रैक्टिस रेस कर रहे हैं आपस में जितने भी रेसर्स हैं, तो सर आप आ जाओ, आपकी मतलब एक तो चेक करना है कि आप रेसर हो भी या फिर नहीं। भाई बताओ भाई साहब, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आऊँ, अभी इनको बताना भी पड़ेगा मैं रेसर हूँ कि नहीं। अरे यार मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी थी, भैंस की टांग, तो दिमाग मेरा ख़राब हो रखा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बाकी मैंने बैरी को बोल दिया ये यू टूल का काम आज हो जाएगा, जहाँ जहाँ यू टूल लिखा वहाँ पे माइकल मोटर्स, जहाँ पे एंट्रेंस लिखा वहाँ पे मेरा मोहित गेमिंग नाम लिखवाएगा। चलो ठीक है भाई, बैरी ने बोल दिया कि ये काम जो है ना भाई वो आज के आज ही शुरू करवा देगा, बाकी सारों कामों को वो पॉज करेगा। चलो ठीक है भाई, अपनी जो सुप्रा है वो यहाँ पे खड़ी है, अभी मुझे गाइस जाना पड़ेगा अपनी रिहर्सल के लिए, क्योंकि भैया रेस की वहाँ पे रिहर्सल होने वाली है, और बहुत बड़े बड़े रेसर्स को हम मीट भी करेंगे, और आखिरकार देख भी लेंगे कौन कौन सी कार्स लेके आए। मैंने उनको समझा दिया कि सर अभी मेरी कार रेडी नहीं है, मेरी कार रेडी होनी गई है। तो पहले तो वो मुझे शक करने लगा कि आप हाईली अगर मॉडिफाई करवा रहे हो ना गाड़ी को तो आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं हाईली मॉडिफाई नहीं करवा रहा हूँ, बस अपनी गाड़ी को एक सिंपल रिपेयर करवा रहा हूँ। तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वैसे ही आ जाओ, जो भी गाड़ी है आपके पास वही लेके आ जाओ। तो अभी के लिए गाइज मैं सुप्रा लेके चलता हूँ, एंड वहाँ पे गाइज अपनी रेस की रिहर्सल करने जाएंगे। गाइज मुझे आप लोगों से ना भाई एक अर्जेंट क्वेश्चन है, मुझे ना गाइज सारे के सारे बंदे बताओ 30 मिनट से लेके 40 मिनट के बीच बीच एक दिन छोड़ के अगर GTA रोज आए तो, मतलब जैसे आज GTA आ गई, कल का दिन छोड़ा, परसों GTA आ गई, एक दिन छोड़ा, उसके अगले दिन GTA आ गई, तो भाई कैसा रहेगा अगर मैं 30-35 मिनट की डालूं। भाई मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को हर एक दिन के छोड़ के GTA मिलेगी, या मैक्सिमम हर दो दिन छोड़ के GTA मिलेगी, 40-45 मिनट की वीडियो भी मिल जाया करेगी, कभी कभी एक घंटे की वीडियो डाला करें। मुझे गाइस कमेंट करके बताओ क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं। भाई समझो एक दिन छोड़ के GTA आएगी, और भाई कितना कुछ करने वाले और कितनी जल्दी जल्दी हम करेंगे। हो सकता है भाई ये रेसिस वेसिस बहुत जल्दी हो जाए, उसके बाद हम भाई अपना रिच मैन मेंशन भी खरीद सके। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना क्या कैसा है भाई ये ख्याल। बाकी गाइज मुझे कमेंट करके एक और चीज बताओ भाई, अगर हम इस रेस को जीतते हैं तो हम क्या ले, फोर्ड मस्टैंग या फिर लैम्बोर्गिनी इनविंसिबल। बाकी गाइज बकबक बहुत हो चुकी है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड भाई, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है बहुत बड़ी रेस, और वही उसी रिहर्सल के लिए हम निकल भी रहे हैं। तो चलो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड एंड इंस्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। Stable.